वेलकम बैक यार। तो फिर से आप लोग को स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले एक और नए अपकमिंग मूवी को लेकर, जिसका नाम होने वाला है द एक्सपेंडेबल्स। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो होने वाले हैं इस मूवी के ऊपर। आज के इस वीडियो में आपको इस मूवी से रिलेटेड बिट्स और इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलती है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों द एक्सपेंडेबल फाइव यहाँ पे हमें दो पार्ट में देखने को मिलेंगे, जिसका पहला पार्ट 2025 और इसका पार्ट 2027 में देखने को मिलेगा। बात करें इस मूवी को लेकर, तो एक्सपेंडेबल सीरीज की अंतिम दो किस्तें दो पार्ट में विभाजित होगी। इसमें कई बड़े सितारों के साथ सबसे बड़ी कास्ट होगी। यह सबसे लंबी एक्सपेंडेबल्स मूवी होगी, क्योंकि दोस्तों यह फ्रेंचाइजी की आखिरी मूवी होगी, इसलिए इसे दो भागों में विभाजित किया जाएगा और फिल्म में नए नए पार्ट नए नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। बात करते हैं इसके दोनों पार्ट्स की, तो शुरू करते हैं पार्ट फर्स्ट के साथ। तो दोस्तों पार्ट फर्स्ट में विरासत के पात्रों और कुछ नए पात्रों को दिखाया गया है, और इसे लौटाने वाले पात्रों के साथ एक एक्सपेंडेबल सीक्वल फिल्म की तरह माना जाता है। पार्ट टू में यहाँ कई नए पात्रों का एक सॉफ्ट रिबूट के तरह, लेकिन यह अलविदा के लिए एक स्तुति भी है, क्योंकि यह कई बड़े सितारों के साथ एक्शन शैली के एक प्रेम पत्र है। हालांकि पार्ट टू किसी अन्य सीक्वल के लिए कोई खुला अंत नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि इस फिल्म में लगभग सभी लोग मारे जाते हैं, लेकिन कुछ पात्रों के साथ स्पिन ऑफ का मौका हो जाता है। दोस्तों बात करेंगे इस मूवी की कास्ट को लेकर, तो इस मूवी की संभावित कास्ट और क्रू आज हम आपको बताएंगे। तो इसकी कास्ट हो सकती है दोस्तों सिल्वेस्टर स्टेलोन जो कि बाली रोस के रूप में, जैसन स्टैथम क्रिस्टमस के रूप में, डॉल्फ जिगलर गनर जेंसन के रूप में, टोनी जायन यांग के रूप में, 50 सेंट हेलियंस के रूप में, मेल गिब्सन विलन जो कि कोनन मैकग्रेगोर होने वाले हैं के रूप में, मेगन फॉक्स जेसिका के रूप में, हैरिसन फोर्ड मैक्स ड्रूमर के रूप में यहाँ पे अपने अपने रोल निभाएंगे। बात करें इस मूवी की क्रू को लेकर, तो इसके डायरेक्टर होंगे स्कॉट बॉर्न, इस मूवी को प्रोड्यूस करेंगे अमी लाना, इस मूवी के राइटर है सिल्वेस्टर स्टेलोन, इस मूवी को सिनेमेटोग्राफ करेंगे सेले जॉनसन। बात करें इस मूवी के कंपोजर की, तो इस मूवी को कंपोज करेंगे टोनी मिलर, वहीं पर इस मूवी को म्यूजिक देंगे ब्रायन टेलर। वहीं बात करेंगे अन्य कुछ सदस्यों की, तो दोस्तों इस मूवी के एक्शन कोरियोग्राफर होंगे कोयू हो, स्टंट कोरियोग्राफर होंगे विक्टर वो, प्रोडक्शन डिजाइनर होंगे डैन हेना, वहीं पर कॉस्ट्यूम डिजाइनर होंगे लिसा बुआ और साउंड डिजाइनर होंगे वेल बुआ। दोस्तों बात करें इस मूवी के प्रोडक्शन बजट को, तो इस मूवी का प्रोडक्शन बजट लगभग 150 मिलियन होने वाला है। और बात करें इस मूवी के वर्ल्ड वाइड बजट की, तो इसका 150 मिलियन के लगभग बजट यहाँ एक्सपेक्ट किया है। और अगर बात करें इसके ओवरऑल बजट के, तो ये 400 मिलियन के बराबर हो जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसमें से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को लेकर। तो दोस्तों इसमें से रिलेटेड पहला फैक्ट है कि फिल्म का निर्देशन स्कॉट वॉक करेंगे। बात करें अगले फैक्ट की, तो वो है सिल्वेस्टर स्टेलोन, जेसन स्टैथम और डॉल्फ लुंडग्रेन और टोनी जा फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाएंगे। बात करते हैं अगले फैक्ट की, तो मेगन फॉक्स और 50 सेंट फिल्म्स में नए कलाकार हैं। बात करें चौथे फैक्ट की, तो फिल्म की कहानी सिल्वेस्टर स्टेलोन और स्पेंसर कोएन ने लिखी है। बात करें इसके पांच फैक्ट की, तो फिल्म का बजट 3100 करोड़ रुपए होने वाला है। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, 3100 करोड़ रुपए फिल्म का बजट होने वाला है। बात करें अगले फैक्ट की, तो फिल्म में एक्शन रोमांस और थ्रिलर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बात करें अगर सात फैक्ट की, तो फिल्म की शूटिंग विभिन्न स्थानों पर हुई है, जिनमें थाईलैंड और चीन भी शामिल है। बात करते हैं आठवें फैक्ट की, तो फिल्म में स्टंट और एक्शन दृश्यों के लिए विशेषज्ञों को नियुक्त किया गया है। बात करें नवे फैक्ट की, तो फिल्म का संगीत ब्रायन टेलर ने तैयार किया है। बात करें दसवें फैक्ट की, तो ये मूवी दो पार्ट्स में पार्ट वन और पार्ट टू जो कि 2025 और 2026 में रिलीज होंगे में आपको देखने को मिल जाएगी।
बात करते हैं इस मूवी की स्टोरीलाइन को लेकर। तो दोस्तों फिल्म की शुरुआत बानी रोज जो कि सिल्वेस्टर स्टेलोन है और उनके टीम जहाँ पे हम एक मिशन पर दिखाए गए हैं उन्हें एक शक्तिशाली और खतरनाक अपराधी को पकड़ने का काम सौंपा गया है जो दुनिया भर में आतंक फैला रहा है। जैसे टीम अपराधी के पीछे लगती है वे एक नए और खतरनाक दुश्मन का सामना करते हैं। यह दुश्मन कोनन मैकग्रेगोर जो कि मेल गिब्सन ने रोल निभाया है जो कि एक पुरुष सैन्य अधिकारी और अब एक खतरनाक अपराधी बन गया है। इससे यहाँ पे उनकी फाइट होती है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि बार्नी और उसकी टीम को पता चलता है कि कोनन एक शक्तिशाली हथियार बना रहा है जो दुनिया को खतरे में डाल सकता है। टीम को इस हथियार को रोकने और कोनन को पकड़ने का काम सौंपा गया है। फिल्म में कई एक्शन से भरपूर दृश्य हैं जिनमें बार्नी और उसकी टीम कोनन के आदमियों से लड़ते हैं। फिल्म के अंत में बार्नी और कोनन के बीच एक भयंकर लड़ाई होती है जिसमें बार्नी विजय होता है। बात करें इसके मेन लीड एक्टर्स की तो इसमें बार्नी रॉस, ले क्रिस्टमस, गनर जेंसन, यान यांग, कोनर मैकग्रेगोर और जेसिका देखने को मिलती है। बात करें इस मूवी के थीम की तो ये फिल्म एक मुख्य एक्शन रोमांच और देशभक्ति फिल्म होने वाली है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक टीम खतरनाक अपराधियों के खिलाफ लड़ती है और दुनिया को बचाती है। दोस्तों द एक्सपेंडेबल्स 5 के रिलीज डेट अभी तक घोषित नहीं की गई है। फिल्म के निर्माताओं ने कहा है कि वे दर्शकों की मांग के अनुसार इस फ्रेंचाइजी की अगली फिल्में बनाते रहेंगे। इस फिल्म में जेसन स्टेथम, कर्टिस प्रैट, जैक्सन मेकल फॉक्स, डॉग लोडगिन, टोनी जा और एडी क्रोटर के साथ वापसी करने की संभावना। द एक्सपेंडेबल फोर्स की बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्मेंस क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलती है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों द एक्सपेंडेबल फाइव यहाँ पे हमें दो पार्ट्स में देखने को मिलेंगे जिसका पहला पार्ट 2025 और इसका पार्ट 2027 में देखने को मिलेगा। बात करें इस मूवी को लेकर तो एक्सपेंडेबल सीरीज की अंतिम दो किस्तें दो पार्ट में विभाजित होगी। इसमें कई बड़े सितारों के साथ सबसे बड़ी कास्ट होगी। ये सबसे लंबी एक्सपेंडेबल्स मूवी होगी क्योंकि दोस्तों ये फ्रेंचाइजी की आखिरी मूवी होगी, इसलिए इसे दो भागों में विभाजित किया जाएगा और फिल्म में नए नए पार्ट नए नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। बात करते हैं इसके दोनों पार्ट्स की तो शुरू करते हैं पार्ट फर्स्ट के साथ। तो दोस्तों पार्ट फर्स्ट में विरासत के पात्रों और कुछ नए पात्रों को दिखाया गया है और इसे लौटाने वाले पात्रों के साथ एक एक्सपेंडेबल सीक्वल फिल्म की तरह माना जाता है। पार्ट टू में यहाँ कई नए पात्रों का एक सॉफ्ट रिबूट के तरह लेकिन यह अलविदा के लिए एक स्तुति भी है क्योंकि यह कई बड़े सितारों के साथ एक्शन शैली के एक प्रेम पत्र है। हालांकि पार्ट टू किसी अन्य सीक्वल के लिए कोई खुला अंत नहीं छोड़ रहा है क्योंकि इस फिल्म में लगभग सभी लोग मारे जाते हैं लेकिन कुछ पात्रों के साथ स्पिन ऑफ का मौका हो जाता है। दोस्तों बात करेंगे इस मूवी की कास्ट को लेकर तो इस मूवी की संभावित कास्ट और क्रू आज हम आपको बताएंगे। तो इसकी कास्ट हो सकती है दोस्तों सिल्वेस्टर स्टेलोन जो कि बार्नी रॉस के रूप में, जेसन स्टैथम क्रिस्टमस के रूप में, डॉल्फ जिगलर गनर जेंसन के रूप में, टोनी जा यान यांग के रूप में, 50 सेंट हेलियंस के रूप में, मेल गिब्सन विलन जो कि कोनन मैकग्रेगोर होने वाले हैं के रूप में, मेगन फॉक्स जेसिका के रूप में, हैरिसन फोर्ड मैक्स ड्रोमर के रूप में यहाँ पे अपने अपने रोल निभाएंगे। बात करें इस मूवी की क्रू को लेकर तो इसके डायरेक्टर होंगे स्कॉट वॉर, इस मूवी को प्रोड्यूस करेंगे अमी लाना, इस मूवी के राइटर है सिल्वेस्टर स्टेलोन, इस मूवी को सिनेमेटोग्राफ करेंगे सेले जॉनसन। बात करें इस मूवी के कंपोजर की तो इस मूवी को कंपोज करेंगे टोनी मिलर, वहीं पर इस मूवी को म्यूजिक देंगे ब्रायन टेलर। वहीं बात करें अगर अन्य कुछ सदस्यों की तो दोस्तों इस मूवी के एक्शन कोरियोग्राफर होंगे कोयू हो, स्टंट कोरियोग्राफर होंगे विक्टर वो, प्रोडक्शन डिजाइनर होंगे डैन हेना, वहीं पर कॉस्ट्यूम डिजाइनर होंगे लिस वुआ और साउंड डिजाइनर होंगे वेल वुआ। दोस्तों बात करें इस मूवी के प्रोडक्शन बजट को तो इस मूवी का प्रोडक्शन बजट लगभग 150 मिलियन होने वाला है और बात करें इस मूवी के वर्ल्ड वाइड बजट की तो इसका 250 मिलियन के लगभग बजट यहाँ पे एक्सपेक्ट किया है।
और अगर बास गैस के एवरेज बजट के तो ये 400 मिलियन के बराबर हो जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसमें रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को लेकर। तो दोस्तों इसमें रिलेटेड पहला फैक्ट है कि फिल्म का निर्देशन स्कॉट वॉक करेंगे। बात करें अगले फैक्ट की तो वो है सिल्वेस्टर स्टेलोन, जेसन स्टेथम और डॉल्फ लंडग्रेन और टोनी जा फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाएंगे। बात करते हैं अगले फैक्ट की तो मेगन फॉक्स और 50 सेंट फिल्म में नए कलाकार हैं। बात करें चौथे फैक्ट की तो फिल्म की कहानी सिल्वेस्टर स्टेलोन और स्पेंसर कोएन ने लिखी है। बात करें इसके पांच फैक्ट की तो फिल्म का बजट 3100 करोड़ रुपए होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने से सुना 3100 करोड़ रुपए इस फिल्म का बजट होने वाला है। बात करें अगले फैक्ट की तो फिल्म में एक्शन, रोमांस और थ्रिलर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बात करें अगर सात फैक्ट की तो फिल्म की शूटिंग विभिन्न स्थानों पर हुई है जिनमें थाईलैंड और चीन भी शामिल है। बात करते हैं आठवें फैक्ट की तो फिल्म में स्टंट और एक्शन दृश्यों के लिए विशेषज्ञों को नियुक्त किया गया है। बात करें नवे फैक्ट की तो फिल्म का संगीत ब्रायन टेलर ने तैयार किया है। बात करें दसवें फैक्ट की तो ये मूवी दो पार्ट्स में पार्ट वन और पार्ट टू जो कि 2025 और 2026 में रिलीज होंगे में आपको देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी लाइन को लेकर। तो दोस्तों फिल्म की शुरुआत बानी रॉस जो कि सिल्वेस्टर स्टेलोन है और उनके टीम जहाँ पे हम एक मिशन पर दिखाए गए हैं उन्हें एक शक्तिशाली और खतरनाक अपराधी को पकड़ने का काम सौंपा गया है जो दुनिया भर में आतंक फैला रहा है। जैसे टीम अपराधी के पीछे लगती है वे एक नए और खतरनाक दुश्मन का सामना करते हैं। यह दुश्मन कोनन मैकग्रेगोर जो कि मेल गिब्सन ने रोल निभाया है जो कि एक पुरुष सैन्य अधिकारी है और अब एक खतरनाक अपराधी बन गया है। इससे यहाँ पे उनकी फाइट होती है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि बार्नी और उसकी टीम को पता चलता है कि कोनन एक शक्तिशाली हथियार बना रहा है जो दुनिया को खतरे में डाल सकता है। टीम को इस हथियार को रोकने और कोनन को पकड़ने का काम सौंपा गया है। फिल्म में कई एक्शन से भरपूर दृश्य हैं जिनमें बार्नी और उसकी टीम कोनन के आदमियों से लड़ते हैं। फिल्म के अंत में बार्नी और कोनन के बीच एक भयंकर लड़ाई होती है जिसमें बार्नी विजय होता है। बात करें इसके मेन लीड एक्टर्स की तो इसमें बार्नी रॉस, ले क्रिस्टमस, गनर जेंसन, जेन यांग, कॉनर मैकग्रेगोर और जेसिका देखने को मिलती है। बात करें इस मूवी के थीम की तो ये फिल्म एक मुख्य एक्शन, रोमांच और देशभक्ति फिल्म होने वाली है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक टीम खतरनाक अपराधियों के खिलाफ लड़ती है और दुनिया को बचाती है। दोस्तों द एक्सपेंडेबल्स 5 के रिलीज डेट अभी तक घोषित नहीं की गई है। फिल्म के निर्माताओं ने कहा है कि वे दर्शकों की मांग के अनुसार इस फ्रेंचाइजी की अगली फिल्में बनाते रहेंगे। इस फिल्म में जेसन स्टेथम, कर्टिस फ्रैक्सेंट, जैक्सन मेकल फॉक्स, डॉल्फ लंडग्रेन, टोनी जा और एडी क्रोटर के साथ वापसी करने की संभावना। द एक्सपेंडेबल 4 की बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्मेंस क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलती है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों द एक्सपेंडेबल 5 यहाँ पे हमें दो पार्ट्स में देखने को मिलेगी जिसका पहला पार्ट 2025 और इसका पार्ट 2027 में देखने को मिलेगा। बात करें इस मूवी को लेकर तो एक्सपेंडेबल सीरीज की अंतिम दो किस्तें दो पार्ट में विभाजित होगी। इसमें कई बड़े सितारों के साथ सबसे बड़ी कास्ट होगी। ये सबसे लंबी एक्सपेंडेबल्स मूवी होगी क्योंकि दोस्तों ये फ्रेंचाइजी की आखिरी मूवी होंगी, इसलिए इसे दो भागों में विभाजित किया जाएगा और फिल्म में नए नए पार्ट, नए नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। बात करते हैं इसके दोनों पार्ट्स की तो शुरू करते हैं पार्ट फर्स्ट के साथ। तो दोस्तों पार्ट फर्स्ट में विरासत के पात्रों और कुछ नए पात्रों को दिखाया गया है और इसे लौटाने वाले पात्रों के साथ एक एक्सपेंडेबल सीक्वल फिल्म की तरह माना जाता है। पार्ट टू में यहाँ कई नए पात्रों का एक सॉफ्ट रिबूट के तरह है, लेकिन यह अलविदा के लिए एक स्तुति भी है क्योंकि यह कई बड़े सितारों के साथ एक्शन शैली के एक प्रेम पत्र है। हालांकि पार्ट टू किसी अन्य सीक्वल के लिए कोई खुला अंत नहीं छोड़ रहा है क्योंकि इस फिल्म में लगभग सभी लोग मारे जाते हैं, लेकिन कुछ पात्रों के साथ स्पिन ऑफ का मौका हो जाता है। दोस्तों
बात करेगा इस मूवी की कास्ट को लेकर, तो इस मूवी की संभावित कास्ट और क्रू आज हम आपको बता दूंगा। तो इसकी कास्ट हो सकती है दोस्तों सिल्वेस्टर स्टेलोन जो कि बाली रॉस के रूप में, जेसन स्टैथम क्रिस्टमस के रूप में, डॉल्फ जिगलर गनर जेंसन के रूप में, टोनी जाय यन यांग के रूप में, 50 सेंट हेलियंस के रूप में, मेल गिब्सन विलन जो कि कॉनन मैकग्रेगर होने वाले हैं के रूप में, मेगन फॉक्स जेसिका के रूप में, हैरिसन फोर्ड मैक्स ड्रूमर के रूप में यहाँ पे अपने अपने रोल निभाएंगे। बात करें इस मूवी की क्रू को लेकर, तो इसके डायरेक्टर होंगे स्कॉट वॉर, इस मूवी को प्रोड्यूस करेंगे अमी लाना, इस मूवी के राइटर है सिल्वेस्टर स्टेलोन, इस मूवी को सिनेमेटोग्राफ करेंगे सेलेस्ट जॉनसन। बात करें इस मूवी के कंपोजर की, तो इस मूवी को कंपोज करेंगे टोनी मिलर, वहीं पर इस मूवी को म्यूजिक देंगे ब्रायन टेलर। वहीं बात करें अगर अन्य कुछ सदस्यों की, तो दोस्तों इस मूवी के एक्शन कोरियोग्राफर होंगे कोयू हो, स्टंट कोरियोग्राफर होंगे विक्टर वो, प्रोडक्शन डिजाइनर होंगे डैन हेना, वहीं पर कॉस्ट्यूम डिजाइनर होंगे लिस वुआ और साउंड डिजाइनर होंगे वेल वुआ। दोस्तों बात करें इस मूवी के प्रोडक्शन बजट को, तो इस मूवी का प्रोडक्शन बजट लगभग 150 मिलियन होने वाला है। और बात करें इस मूवी के वर्ल्ड वाइड बजट की, तो इसका 150 मिलियन के लगभग बजट यहाँ एक्सपेक्ट किया है। और अगर बात करें इसके ओवरऑल बजट के, तो ये 400 मिलियन के बराबर हो जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को लेकर। तो दोस्तों इस मूवी से रिलेटेड पहला फैक्ट है कि फिल्म का निर्देशन स्कॉट वॉक करेंगे। बात करें अगले फैक्ट की, तो वो है सिल्वेस्टर स्टेलोन, जेसन स्टैथम और डॉल्फ लुंडग्रेन और टोनी जा फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाएंगे। बात करते हैं अगले फैक्ट की, तो मेगन फॉक्स और 50 सेंट फिल्म्स में नए कलाकार हैं। बात करें चौथे फैक्ट की, तो फिल्म की कहानी सिल्वेस्टर स्टेलोन और स्पेंसर कोएन ने लिखी है। बात करें इसके पांच फैक्ट की, तो फिल्म का बजट 3100 करोड़ रुपए होने वाला है। जी हां दोस्तों आपने सही सुना, 3100 करोड़ रुपए इस फिल्म का बजट होने वाला है। बात करें अगले फैक्ट की, तो फिल्म में एक्शन रोमांस और थ्रिलर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बात करें अगर सात फैक्ट की, तो फिल्म की शूटिंग विभिन्न स्थानों पर हुई है जिनमें थाईलैंड और चीन भी शामिल है। बात करते हैं आठवें फैक्ट की, तो फिल्म में स्टंट और एक्शन दृश्यों के लिए विशेषज्ञों को नियुक्त किया गया है। बात करें नवे फैक्ट की, तो फिल्म का संगीत ब्रायन टेलर ने तैयार किया है। बात करें दसवें फैक्ट की, तो ये मूवी दो पार्ट्स में पार्ट वन और पार्ट टू जो कि 2025 और 2026 में रिलीज होंगे में आपको देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी लाइन को लेकर, तो दोस्तों फिल्म की शुरुआत बानी रॉस जो कि सिल्वेस्टर स्टेलोन है और उनके टीम जहां पे हम एक मिशन पर दिखाए गए हैं, उन्हें एक शक्तिशाली और खतरनाक अपराधी को पकड़ने का काम सौंपा गया है जो दुनिया भर में आतंक फैला रहा है। जैसे टीम अपराधी के पीछे लगती है, वे एक नए और खतरनाक दुश्मन का सामना करते हैं। यह दुश्मन कॉनन मैकग्रेगर जो कि मेल गिब्सन ने रोल निभाया है, जो कि एक पुरुष सैन्य अधिकारी है और अब एक खतरनाक अपराधी बन गया है। इससे यहाँ पे उनकी फाइट होती है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि बार्नी और उसकी टीम को पता चलता है कि कॉनन एक शक्तिशाली हथियार बना रहा है जो दुनिया को खतरे में डाल सकता है। टीम को इस हथियार को रोकने और कॉनर को पकड़ने का काम सौंपा गया है। फिल्म में कई एक्शन से भरपूर दृश्य हैं जिनमें बार्नी और उसकी टीम कॉनर के आदमियों से लड़ते हैं। फिल्म के अंत में बार्नी और कॉनर के बीच एक भयंकर लड़ाई होती है जिसमें बार्नी विजय होता है। बात करें इसके मेन लीड एक्टर्स की, तो इसमें बार्नी रॉस, ले क्रिस्टमस, गनर जेंसन, यन यांग, कॉनर मैकग्रेगर और जेसिका देखने को मिलती है। बात करें इस मूवी के थीम की, तो ये फिल्म एक मुख्य एक्शन रोमांच और देशभक्ति फिल्म होने वाली है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक टीम खतरनाक अपराधियों के खिलाफ लड़ती है और दुनिया को बचाती है। दोस्तों द एक्सपेंडेबल्स 5 के रिलीज डेट अभी तक घोषित नहीं की गई है। फिल्म के निर्माताओं ने कहा है कि वे दर्शकों की मांग के अनुसार इस फ्रेंचाइजी की अगली फिल्में बनाते रहेंगे। इस फिल्म में जेसन स्टैथम, कटिंग स्पैट, जैक्सन मेकर फॉक्स, डॉक लुडग्रेन, टोनी जा और एडी क्रोटर के साथ वापसी करने की संभावना। द एक्सपेंडेबल फोर्स की बॉक्स ऑफिस पर
परफॉर्मेंस क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलती है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों द एक्सपेंडेबल फायर में आप हमें दो पार्ट्स में देखने को मिलेंगे, जिसका पहला पार्ट 2025 और इसका पार्ट 2027 में देखने को मिलेगा। बात करें इस मूवी को लेकर तो एक्सपेंडेबल सीरीज की अंतिम दो किस्तें दो पार्ट में विभाजित होगी। इसमें कई बड़े सितारों के साथ सबसे बड़ी कास्ट होगी। ये सबसे लंबी एक्सपेंडेबल्स मूवी होगी क्योंकि दोस्तों ये फ्रेंचाइजी की आखिरी मूवियाँ होंगी, इसलिए इसे दो भागों में विभाजित किया जाएगा और फिल्म में नए नए पार्ट नए नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। बात करते हैं इसके दोनों पार्ट्स की, तो शुरू करते हैं पार्ट फर्स्ट के साथ। तो दोस्तों पार्ट फर्स्ट में विरासत के पात्रों और कुछ नए पात्रों को दिखाया गया है और इसे लौटाने वाले पात्रों के साथ एक एक्सपेंडेबल सीक्वल फिल्म की तरह माना जाता है। पार्ट टू में यहाँ कई नए पात्रों का एक सॉफ्ट रिबूट के तरह, लेकिन यह अलविदा के लिए एक स्तुति भी है क्योंकि यह कई बड़े सितारों के साथ एक्शन शैली के एक प्रेम पत्र है। हालांकि पार्ट टू किसी अन्य सीक्वल के लिए कोई खुला अंत नहीं छोड़ रहा है क्योंकि इस फिल्म में लगभग सभी लोग मारे जाते हैं, लेकिन कुछ पात्रों के साथ स्पिन ऑफ का मौका हो जाता है। दोस्तों बात करेंगे इस मूवी की कास्ट को लेकर, तो इस मूवी की संभावित कास्ट और क्रू आज हम आपको बताएंगे। तो इसकी कास्ट हो सकती है दोस्तों सिल्वेस्टर स्टेलोन जो कि बाली रॉस के रूप में, जेसन स्टैथम क्रिस्टमस के रूप में, डॉल्फ जिगलर गनर जेंसन के रूप में, टोनी जायन यांग के रूप में, 50 सेंट हेलियंस के रूप में, मेल गिब्सन विलन जो कि कोनन मैकग्रेगोर होने वाले हैं के रूप में, मेगन फोक्स जेसिका के रूप में, हैरिसन फोर्ड मैक्स ड्रूमर के रूप में यहाँ पे अपने अपने रोल निभाएंगे। बात करें इस मूवी की क्रू को लेकर, तो इसके डायरेक्टर होंगे स्कॉट वॉ, इस मूवी को प्रोड्यूस करेंगे अमी लाना, इस मूवी के राइटर है सिल्वेस्टर स्टेलोन, इस मूवी को सिनेमेटोग्राफ करेंगे सेलेस जॉनसन। बात करें इस मूवी के कंपोजर की, तो इस मूवी को कंपोज करेंगे टोनी मिलर, वहीं पर इस मूवी को म्यूजिक देंगे ब्रायन टेलर। वहीं बात करें अगर अन्य कोई सदस्य की, तो दोस्तों इस मूवी के एक्शन कोरियोग्राफर होंगे कोयू हो, स्टंट कोरियोग्राफर होंगे विक्टर वो, प्रोडक्शन डिजाइनर होंगे डैन हेना, वहीं पर कॉस्ट्यूम डिजाइनर होंगे लिसा बुआ और साउंड डिजाइनर होंगे बेल बुआ। दोस्तों बात करें इस मूवी के प्रोडक्शन बजट को, तो इस मूवी का प्रोडक्शन बजट लगभग 150 मिलियन होने वाला है। और बात करें इस मूवी के वर्ल्ड वाइड बजट की, तो इसका 150 मिलियन के लगभग बजट यहाँ एक्सपेक्ट किया है। और अगर बात करें इसके ओवरऑल बजट के, तो ये 400 मिलियन के बराबर हो जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को लेकर। तो दोस्तों इसमें से रिलेटेड पहला फैक्ट है कि फिल्म का निर्देशन स्कॉट वॉ करेंगे। बात करें अगले फैक्ट की, तो वो है सिल्वेस्टर स्टेलोन, जेसन स्टैथम और डॉल्फ लुंडग्रेन और टोनी जा फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाएंगे। बात करते हैं अगले फैक्ट की, तो मेगन फॉक्स और 50 सेंट फिल्म्स में नए कलाकार हैं। बात करें चौथे फैक्ट की, तो फिल्म की कहानी सिल्वेस्टर स्टेलोन और स्पेंसर कोएन ने लिखी है। बात करें इसके पांच फैक्ट की, तो फिल्म का बजट 3100 करोड़ रुपए होने वाला है। जी हां दोस्तों आपने सही सुना, 3100 करोड़ रुपए फिल्म का बजट होने वाला है। बात करें अगले फैक्ट की, तो फिल्म में एक्शन रोमांस और थ्रिलर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बात करें अगर सात फैक्ट की, तो फिल्म की शूटिंग विभिन्न स्थानों पर हुई है जिनमें थाईलैंड और चीन भी शामिल है। बात करते हैं आठवें फैक्ट की, तो फिल्म में स्टंट और एक्शन दृश्यों के लिए विशेषज्ञों को नियुक्त किया गया है। बात करें नवे फैक्ट की, तो फिल्म का संगीत ब्रायन टेलर ने तैयार किया है। बात करें दसवें फैक्ट की, तो ये मूवी दो पार्ट्स में पार्ट वन और पार्ट टू जो कि 2025 और 2026 में रिलीज होंगे में आपको देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी लाइन को लेकर, तो दोस्तों फिल्म की शुरुआत बानी रॉस जो कि सिल्वेस्टर स्टेलोन है और उनके टीम जहाँ पे हम एक मिशन पर दिखाए गए हैं उन्हें एक शक्तिशाली और खतरनाक अपराधी को पकड़ने का काम सौंपा गया है जो दुनिया भर में आतंक फैला रहा है। जैसे टीम अपराधी के पीछे लगती है वे एक नए और खतरनाक दुश्मन का सामना करते हैं
यह दुश्मन कोनन मैकग्रेगोर जो कि मेल गिब्सन ने रोल निभाया है, जो कि एक पुरुष है नदी कार्य और अब एक खतरनाक अपराधी बन गया है। इससे यहाँ पे उनकी फाइट होती है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि बार्नी और उसकी टीम को पता चलता है कि कोनन एक शक्तिशाली हथियार बना रहा है जो दुनिया को खतरे में डाल सकता है। टीम को इस हथियार को रोकने और कोनन को पकड़ने का काम सौंपा गया है। फिल्म में कई एक्शन से भरपूर दृश्य हैं जिनमें बार्नी और उसकी टीम कोनन के आदमियों से लड़ते हैं। फिल्म के अंत में बार्नी और कोनर के बीच एक भयंकर लड़ाई होती है जिसमें बार्नी विजय होता है। बात करें इसके मेन लीड एक्टर्स की तो इसमें बार्नी रॉस, ले क्रिस्टमस, गनर जेंसन, जेन यांग, कोनर मैकग्रेगोर और जेसिका देखने को मिलती है। बात करें इस मूवी के थीम की तो ये फिल्म एक मुख्य एक्शन, रोमांच और देशभक्ति फिल्म होने वाली है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक टीम खतरनाक अपराधियों के खिलाफ लड़ती है और दुनिया को बचाती है। दोस्तों, द एक्सपेंडेबल्स 5 के रिलीज डेट अभी तक घोषित नहीं की गई है। फिल्म के निर्माताओं ने कहा है कि वे दर्शकों की मांग के अनुसार इस फ्रेंचाइजी की अगली फिल्में बनाते रहेंगे। इस फिल्म में जेसन स्टेथम, कर्टिस फ्रैंसेंट, जैक्सन मेकल फॉक्स, डॉक लुडगिंग, टोनी जा और एडी क्रोटर के साथ वापसी करने की संभावना। द एक्सपेंडेबल फोर्स की बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्मेंस क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलती है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों द एक्सपेंडेबल फाइव यहाँ पे हमें दो पार्ट्स में देखने को मिलेगी, जिसका पहला पार्ट 2025 और इसका पार्ट 2027 में देखने को मिलेगा। बात करें इस मूवी को लेकर तो एक्सपेंडेबल सीरीज की अंतिम दो किस्तें दो पार्ट में विभाजित होगी। इसमें कई बड़े सितारों के साथ सबसे बड़ी कास्ट होगी। यह सबसे लंबी एक्सपेंडेबल्स मूवी होगी क्योंकि दोस्तों यह फ्रेंचाइजी की आखिरी मूवी होगी, इसलिए इसे दो भागों में विभाजित किया जाएगा और फिल्म में नए नए पार्ट, नए नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। बात करते हैं इसके दोनों पार्ट्स की, तो शुरू करते हैं पार्ट फर्स्ट के साथ। तो दोस्तों पार्ट फर्स्ट में विरासत के पात्रों और कुछ नए पात्रों को दिखाया गया है और इसे लौटाने वाले पात्रों के साथ एक एक्सपेंडेबल सीक्वल फिल्म की तरह माना जाता है। पार्ट टू में यहाँ कई नए पात्रों का एक सॉफ्ट रिबूट के तरह, लेकिन यह अलविदा के लिए एक स्तुति भी है क्योंकि यह कई बड़े सितारों के साथ एक्शन शैली के एक प्रेम पत्र है। हालांकि पार्ट टू किसी अन्य सीक्वल के लिए कोई खुला अंत नहीं छोड़ रहा है क्योंकि इस फिल्म में लगभग सभी लोग मारे जाते हैं, लेकिन कुछ पात्रों के साथ स्पिन ऑफ का मौका हो जाता है। दोस्तों बात करेंगे इस मूवी की कास्ट को लेकर, तो इस मूवी की संभावित कास्ट और क्रू आज हम आपको बताएंगे। तो इसकी कास्ट हो सकती है दोस्तों सिल्वेस्टर स्टेलोन जो कि बार्नी रॉस के रूप में, जेसन स्टैथम क्रिस्टमस के रूप में, डॉल्फ जिगलर गनर जेंसन के रूप में, टोनी जायन यांग के रूप में, 50 सेंट हेलियंस के रूप में, मेल गिब्सन विलन जो कि कोनन मैकग्रेगोर होने वाले हैं के रूप में, मेगन फॉक्स जेसिका के रूप में, हैरिसन फोर्ड मैक्स ड्रूमर के रूप में यहाँ पे अपने अपने रोल निभाएंगे। बात करें इस मूवी की क्रू को लेकर, तो इसके डायरेक्टर होंगे स्कॉट वॉ, इस मूवी को प्रोड्यूस करेंगे अमी लाना, इस मूवी के राइटर है सिल्वेस्टर स्टेलोन, इस मूवी को सिनेमेटोग्राफ करेंगे सेले जॉनसन। बात करें इस मूवी के कंपोजर की, तो इस मूवी को कंपोज करेंगे टोनी मिलर, वहीं पर इस मूवी को म्यूजिक देंगे ब्रायन टेलर। वहीं बात करें अगर अन्य कोई सदस्य की, तो दोस्तों इस मूवी के एक्शन कोरियोग्राफर होंगे कोयू हो, स्टंट कोरियोग्राफर होंगे विक्टर वो, प्रोडक्शन डिजाइनर होंगे डैन हेना, वहीं पर कॉस्ट्यूम डिजाइनर होंगे लिसा बुआ और साउंड डिजाइनर होंगे वेल बुआ। दोस्तों बात करें इस मूवी के प्रोडक्शन बजट को, तो इस मूवी का प्रोडक्शन बजट लगभग 150 मिलियन होने वाला है। और बात करें इस मूवी के वर्ल्ड वाइड बजट की, तो इसका 150 मिलियन के लगभग बजट यहाँ पे एक्सपेक्ट किया है। और अगर बात करें इसके ओवरऑल बजट के, तो ये 400 मिलियन के बराबर हो जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को लेकर। तो दोस्तों इसमें उससे रिलेटेड पहला फैक्ट है कि फिल्म का निर्देशन स्कॉट वॉ करेंगे। बात करें अगले फैक्ट की, तो वो है सिल्वेस्टर स्टेलोन, जेसन स्टेथम और डॉल्फ लुंडग्रेन और टोनी जा
में मुख्य भूमिकाएं निभाएंगे। बात करते हैं अगले प्रोजेक्ट की, तो मेगन फॉक्स और 50 सेंट फिल्म्स में नए कलाकार हैं। बात करें चौथे फैक्ट की, तो फिल्म की कहानी सिल्वेस्टर स्टेलोन और स्पेंसर कोएन ने लिखी है। बात करें इसके पांच फैक्ट की, तो फिल्म का बजट 3100 करोड़ रुपए होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 3100 करोड़ रुपए इस फिल्म का बजट होने वाला है। बात करें अगले फैक्ट की, तो फिल्म में एक्शन, रोमांस और थ्रिलर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बात करें अगर सात फैक्ट की, तो फिल्म की शूटिंग विभिन्न स्थानों पर हुई है जिनमें थाईलैंड और चीन भी शामिल है। बात करते हैं आठवें फैक्ट की, तो फिल्म में स्टंट और एक्शन दृश्यों के लिए विशेषज्ञों को नियुक्त किया गया है। बात करें नवे फैक्ट की, तो फिल्म का संगीत ब्रायन टेलर ने तैयार किया है। बात करें दसवें फैक्ट की, तो ये मूवी दो पार्ट्स में, पार्ट वन और पार्ट टू, जो कि 2025 और 2026 में रिलीज होंगे, में आपको देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी लाइन को लेकर, तो दोस्तों फिल्म की शुरुआत बानी रॉस, जो कि सिल्वेस्टर स्टेलोन है, और उनके टीम जहाँ पे हम एक मिशन पर दिखाए गए हैं, उन्हें एक शक्तिशाली और खतरनाक अपराधी को पकड़ने का काम सौंपा गया है जो दुनिया भर में आतंक फैला रहा है। जैसे टीम अपराधी के पीछे लगती है, वे एक नए और खतरनाक दुश्मन का सामना करते हैं। यह दुश्मन कोनन मैकग्रेगोर, जो कि मेल गिब्सन ने रोल निभाया है, जो कि एक पुरुष सैन्य अधिकारी है और अब एक खतरनाक अपराधी बन गया है। इससे यहाँ पे उनकी फाइट होती है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि बार्नी और उसकी टीम को पता चलता है कि कोनन एक शक्तिशाली हथियार बना रहा है जो दुनिया को खतरे में डाल सकता है। टीम को इस हथियार को रोकने और कोनन को पकड़ने का काम सौंपा गया है। फिल्म में कई एक्शन से भरपूर दृश्य हैं जिनमें बार्नी और उसकी टीम कोनन के आदमियों से लड़ते हैं। फिल्म के अंत में बार्नी और कोनन के बीच एक भयंकर लड़ाई होती है जिसमें बार्नी विजय होता है। बात करें इसके मेन लीड एक्टर्स की, तो इसमें बार्नी रॉस, ले क्रिस्टमस, गनर जेंसन, जेन यांग, कोनर मैकग्रेगोर और जेसिका देखने को मिलती है। बात करें इस मूवी के थीम की, तो ये फिल्म एक मुख्य एक्शन, रोमांच और देशभक्ति फिल्म होने वाली है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक टीम खतरनाक अपराधियों के खिलाफ लड़ती है और दुनिया को बचाती है। दोस्तों द एक्सपेंडेबल्स 5 के रिलीज डेट अभी तक घोषित नहीं की गई है। फिल्म के निर्माताओं ने कहा है कि वे दर्शकों की मांग के अनुसार इस फ्रेंचाइजी की अगली फिल्में बनाते रहेंगे। इस फिल्म में जेसन स्टेथम, कर्टिस फ्रॉस्ट, जैक्सन मेगन फॉक्स, डॉग लुडगिन, टोनी जा और एडी क्रॉटर के साथ वापसी करने की संभावना। द एक्सपेंडेबल 4 की बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्मेंस, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलती है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों द एक्सपेंडेबल 5 यहाँ पे हमें दो पार्ट्स में देखने को मिलेगी, जिसका पहला पार्ट 2025 और इसका पार्ट 2027 में देखने को मिलेगा। बात करें इस मूवी को लेकर, तो एक्सपेंडेबल सीरीज की अंतिम दो किस्तें दो पार्ट में विभाजित होगी। इसमें कई बड़े सितारों के साथ सबसे बड़ी कास्ट होगी। ये सबसे लंबी एक्सपेंडेबल्स मूवी होगी, क्योंकि दोस्तों यह फ्रेंचाइजी की आखिरी मूवी होंगी, इसलिए इसे दो भागों में विभाजित किया जाएगा और फिल्म में नए नए पार्ट, नए नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। बात करते हैं इसके दोनों पार्ट्स की, तो शुरू करते हैं पार्ट फर्स्ट के साथ। तो दोस्तों पार्ट फर्स्ट में विरासत के पात्रों और कुछ नए पात्रों को दिखाया गया है, और इसे लौटाने वाले पात्रों के साथ एक एक्सपेंडेबल सीक्वल फिल्म की तरह माना जाता है। पार्ट टू में यहाँ कई नए पात्रों का एक सॉफ्ट रिबूट के तरह है, लेकिन यह अलविदा के लिए एक स्तुति भी है, क्योंकि यह कई बड़े सितारों के साथ एक्शन शैली के एक प्रेम पत्र है। हालांकि पार्ट टू किसी अन्य सीक्वल के लिए कोई खुला अंत नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि इस फिल्म में लगभग सभी लोग मारे जाते हैं, लेकिन कुछ पात्रों के साथ स्पिन ऑफ का मौका हो जाता है। दोस्तों बात करेगा इस मूवी की कास्ट को लेकर, तो इस मूवी की संभावित कास्ट और क्रू आज हम आपको बताएंगे। तो इसकी कास्ट हो सकती है दोस्तों सिल्वेस्टर स्टेलोन, जो कि बार्नी रॉस के रूप में, जेसन स्टैथम, ले क्रिस्टमस के रूप में, डॉल्फ जिगलर, गनर जेंसन के रूप में, टोनी जा, यांग के रूप में, 50 सेंट हेलियंस के रूप में,
मेल गिब्सन विलन जो कि कॉनन मैकग्रेगर होने वाले हैं के रूप में, मेगन फॉक्स जैसे गा के रूप में, हैरिसन फोर्ड मैक्स ड्रूमर के रूप में यहाँ पे अपने अपने रोल निभाएंगे। बात करें इस मूवी की क्रू को लेकर तो इसके डायरेक्टर होंगे स्कॉट वॉर, इस मूवी को प्रोड्यूस करेंगे अमी लाना, इस मूवी के राइटर है सिल्वेस्टर स्टेलोन, इस मूवी को सिनेमेटोग्राफ करेंगे सेलेस्ट जॉनसन। बात करें इस मूवी के कंपोजर की तो इस मूवी को कंपोज करेंगे टोनी मिलर, वहीं पर इस मूवी को म्यूजिक देंगे ब्रायन टेलर। वहीं बात करें अगर अन्य कोई सदस्य की तो दोस्तों इस मूवी के एक्शन कोरियोग्राफर होंगे कोयू हो, स्टंट कोरियोग्राफर होंगे विक्टर वो, प्रोडक्शन डिजाइनर होंगे डैन हेना, वहीं पर कॉस्ट्यूम डिजाइनर होंगे लिसा बुआ और साउंड डिजाइनर होंगे बेल बुआ। दोस्तों बात करें इस मूवी के प्रोडक्शन बजट को तो इस मूवी का प्रोडक्शन बजट लगभग 150 मिलियन होने वाला है, और बात करें इस मूवी के वर्ल्ड वाइड बजट की तो इसका 150 मिलियन के लगभग बजट यहाँ पे एक्सपेक्ट किया है, और अगर बात करें इसके ओवरऑल बजट के तो ये 400 मिलियन के बराबर हो जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को लेकर। तो दोस्तों इस मूवी से रिलेटेड पहला फैक्ट है कि फिल्म का निर्देशन स्कॉट वॉक करेंगे। बात करें अगले फैक्ट की तो वो है सिल्वेस्टर स्टेलोन, जेसन स्टेथम और डॉल्फ लंडग्रेन और टोनी जा फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाएंगे। बात करते हैं अगले फैक्ट की तो मेगन फॉक्स और 50 सेंट फिल्म्स में नए कलाकार हैं। बात करें चौथे फैक्ट की तो फिल्म की कहानी सिल्वेस्टर स्टेलोन और स्पेंसर कोएन ने लिखी है। बात करें इसके पांच फैक्ट की तो फिल्म का बजट 3100 करोड़ रुपए होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 3100 करोड़ रुपए इस फिल्म का बजट होने वाला है। बात करें अगले फैक्ट की तो फिल्म में एक्शन, रोमांस और थ्रिलर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बात करें अगर सात फैक्ट की तो फिल्म की शूटिंग विभिन्न स्थानों पर हुई है जिनमें थाईलैंड और चीन भी शामिल है। बात करते हैं आठवें फैक्ट की तो फिल्म में स्टंट और एक्शन दृश्यों के लिए विशेषज्ञों को नियुक्त किया गया है। बात करें नवे फैक्ट की तो फिल्म का संगीत ब्रायन टेलर ने तैयार किया है। बात करें दसवें फैक्ट की तो ये मूवी दो पार्ट्स में पार्ट वन और पार्ट टू जो कि 2025 और 2026 में रिलीज होंगे में आपको देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी लाइन को लेकर। तो दोस्तों फिल्म की शुरुआत बानी रॉस जो कि सिल्वेस्टर स्टेलोन है और उनके टीम जहाँ पे हम एक मिशन पर दिखाए गए हैं उन्हें एक शक्तिशाली और खतरनाक अपराधी को पकड़ने का काम सौंपा गया है जो दुनिया भर में आतंक फैला रहा है। जैसे टीम अपराधी के पीछे लगती है वे एक नए और खतरनाक दुश्मन का सामना करते हैं। यह दुश्मन कॉनन मैकग्रेगर जो कि मेल गिब्सन ने रोल निभाया है जो कि एक पुरुष सैन्य अधिकारी है और अब एक खतरनाक अपराधी बन गया है। इससे यहाँ पे उनकी फाइट होती है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि बार्नी और उसकी टीम को पता चलता है कि कॉनन एक शक्तिशाली हथियार बना रहा है जो दुनिया को खतरे में डाल सकता है। टीम को इस हथियार को रोकने और कॉनर को पकड़ने का काम सौंपा गया है। फिल्म में कई एक्शन से भरपूर दृश्य हैं जिनमें बार्नी और उसकी टीम कॉनर के आदमियों से लड़ते हैं। फिल्म के अंत में बार्नी और कॉनर के बीच एक भयंकर लड़ाई होती है जिसमें बार्नी विजय होता है। बात करें इसके मेन लीड एक्टर्स की तो इसमें बार्नी रॉस, ले क्रिस्टमस, गनर जेंसन, यान यांग, कॉनर मैकग्रेगर और जेसिका देखने को मिलती है। बात करें इस मूवी के थीम की तो ये फिल्म एक मुख्य एक्शन, रोमांच और देशभक्ति फिल्म होने वाली है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक टीम खतरनाक अपराधियों के खिलाफ लड़ती है और दुनिया को बचाती है। दोस्तों द एक्सपेंडेबल्स 5 के रिलीज डेट अभी तक घोषित नहीं की गई है। फिल्म के निर्माताओं ने कहा है कि वे दर्शकों की मांग के अनुसार इस फ्रेंचाइजी की अगली फिल्में बनाते रहेंगे। इस फिल्म में जेसन स्टेथम, कर्टिस फ्रॉस्ट, जैक्सन मेगन फॉक्स, डॉल्फ लंडग्रेन, टोनी जा और एडी पोर्टर के साथ वापसी करने की संभावना। द एक्सपेंडेबल फोर्स की बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्मेंस क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलती है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों द एक्सपेंडेबल 5 यहाँ पे हमें दो पार्ट्स में देखने को मिलेंगे जिसका पहला पार्ट 2025 और इसका पार्ट 2027 में देखने को मिलेगा।
बात करें इस मूवी को लेकर तो एक्सपेंडेबल सीरीज की अंतिम दो किस्तें दो पार्ट में विभाजित होगी। इसमें कई बड़े सितारों के साथ सबसे बड़ी कास्ट होगी। यह सबसे लंबी एक्सपेंडेबल्स मूवी होगी क्योंकि दोस्तों यह फ्रेंचाइजी की आखिरी मूवी होगी, इसलिए इसे दो भागों में विभाजित किया जाएगा और फिल्म में नए नए पार्ट नए नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। बात करते हैं इसके दोनों पार्ट्स की, तो शुरू करते हैं पार्ट फर्स्ट के साथ। तो दोस्तों पार्ट फर्स्ट में विरासत के पात्रों और कुछ नए पात्रों को दिखाया गया है और इसे लौटाने वाले पात्रों के साथ एक एक्सपेंडेबल सीक्वल फिल्म की तरह माना जाता है। पार्ट टू में यहाँ कई नए पात्रों का एक सॉफ्ट रिबूट के तरह, लेकिन यह अलविदा के लिए एक स्तुति भी है क्योंकि यह कई बड़े सितारों के साथ एक्शन शैली के एक प्रेम पत्र है। हालांकि पार्ट टू किसी अन्य सीक्वल के लिए कोई खुला अंत नहीं छोड़ रहा है क्योंकि इस फिल्म में लगभग सभी लोग मारे जाते हैं, लेकिन कुछ पात्रों के साथ स्पिन ऑफ का मौका हो जाता है। दोस्तों बात करेंगे इस मूवी की कास्ट को लेकर, तो इस मूवी की संभावित कास्ट और क्रू आज हम आपको बताएंगे। तो इसकी कास्ट हो सकती है दोस्तों सिल्वेस्टर स्टेलोन जो कि बाली रॉस के रूप में, जेसन स्टैथम क्रिस्टमस के रूप में, डॉल्फ जिगलर गनर जेंसन के रूप में, टोनी जायन यांग के रूप में, 50 सेंट हेलियंस के रूप में, मेल गिब्सन विलन जो कि कोनन मैकग्रेगोर होने वाले हैं के रूप में, मेगन फॉक्स जेसिका के रूप में, हैरिसन फोर्ड मैक्स ड्रूमर के रूप में यहाँ पे अपने अपने रोल निभाएंगे। बात करें इस मूवी की क्रू को लेकर, तो इसके डायरेक्टर होंगे स्कॉट वॉ, इस मूवी को प्रोड्यूस करेंगे अमी लाना, इस मूवी के राइटर है सिल्वेस्टर स्टेलोन, इस मूवी को सिनेमेटोग्राफ करेंगे सेले जॉनसन। बात करें इस मूवी के कंपोजर की, तो इस मूवी को कंपोज करेंगे टोनी मिलर, वहीं पर इस मूवी को म्यूजिक देंगे ब्रायन टेलर। वहीं बात करें अगर अन्य कोई सदस्य की, तो दोस्तों इस मूवी के एक्शन कोरियोग्राफर होंगे कोयू हो, स्टंट कोरियोग्राफर होंगे विक्टर वो, प्रोडक्शन डिजाइनर होंगे डैन हेना, वहीं पर कॉस्ट्यूम डिजाइनर होंगे लिसा बुआ और साउंड डिजाइनर होंगे बेल बुआ। दोस्तों बात करें इस मूवी के प्रोडक्शन बजट को, तो इस मूवी का प्रोडक्शन बजट लगभग 150 मिलियन होने वाला है। और बात करें इस मूवी के वर्ल्ड वाइड बजट की, तो इसका 150 मिलियन के लगभग बजट यहाँ पे एक्सपेक्ट किया है। और अगर बात करें इसके ओवरऑल बजट के, तो ये 400 मिलियन के बराबर हो जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को लेकर। तो दोस्तों इसमें से रिलेटेड पहला फैक्ट है कि फिल्म का निर्देशन स्कॉट वॉ करेंगे। बात करें अगले फैक्ट की, तो वो है सिल्वेस्टर स्टेलोन, जेसन स्टैथम और डॉल्फ लंडग्रेन और टोनी जा फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाएंगे। बात करते हैं अगले फैक्ट की, तो मेगन फॉक्स और 50 सेंट फिल्म्स में नए कलाकार हैं। बात करें चौथे फैक्ट की, तो फिल्म की कहानी सिल्वेस्टर स्टेलोन और स्पेंसर कोएन ने लिखी है। बात करें इसके पांच फैक्ट की, तो फिल्म का बजट 3100 करोड़ रुपए होने वाला है। जी हां दोस्तों आपने सही सुना, 3100 करोड़ रुपए फिल्म का बजट होने वाला है। बात करें अगले फैक्ट की, तो फिल्म में एक्शन रोमांस और थ्रिलर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बात करें अगर सात फैक्ट की, तो फिल्म की शूटिंग विभिन्न स्थानों पर हुई है जिनमें थाईलैंड और चीन भी शामिल है। बात करते हैं आठवें फैक्ट की, तो फिल्म में स्टंट और एक्शन दृश्यों के लिए विशेषज्ञों को नियुक्त किया गया है। बात करें नवे फैक्ट की, तो फिल्म का संगीत ब्रायन टेलर ने तैयार किया है। बात करें दसवें फैक्ट की, तो ये मूवी दो पार्ट्स में पार्ट वन और पार्ट टू जो कि 2025 और 2026 में रिलीज होंगे में आपको देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी लाइन को लेकर, तो दोस्तों फिल्म की शुरुआत बानी रॉस जो कि सिल्वेस्टर स्टेलोन है और उनके टीम जहाँ पे हम एक मिशन पर दिखाए गए हैं उन्हें एक शक्तिशाली और खतरनाक अपराधी को पकड़ने का काम सौंपा गया है जो दुनिया भर में आतंक फैला रहा है। जैसे टीम अपराधी के पीछे लगती है वे एक नए और खतरनाक दुश्मन का सामना करते हैं। यह दुश्मन कोनन मैकग्रेगोर जो कि मेल गिब्सन ने रोल निभाया है जो कि एक पुरुष सैन्य अधिकारी है और अब एक खतरनाक अपराधी बन गया है। इससे यहाँ पे उनकी फाइट होती है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि बार्नी और उसकी टीम को पता चलता है कि कोनन एक शक्तिशाली हथियार बना रहा है जो दुनिया को खतरे में डाल सकता है।
टीम को इस हथियार को रोकने और कॉलर को पकड़ने का काम सौंपा गया है। फिल्म में कई एक्शन से भरपूर दृश्य हैं जिनमें बार्नी और उसकी टीम कॉलर के आदमियों से लड़ते हैं। फिल्म के अंत में बार्नी और कॉलर के बीच एक भयंकर लड़ाई होती है जिसमें बार्नी विजय होता है। बात करें इसके मेन लीड एक्टर्स की तो इसमें बार्नी रॉस, ले क्रिस्टमस, गनर जेंसन, यान यांग, कॉनर मैकग्रेगर और जेसिका देखने को मिलती है। बात करें इस मूवी के थीम की तो ये फिल्म एक मुख्य एक्शन, रोमांच और देशभक्ति फिल्म होने वाली है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक टीम खतरनाक अपराधियों के खिलाफ लड़ती है और दुनिया को बचाती है। दोस्तों, द एक्सपेंडेबल्स 5 की रिलीज डेट अभी तक घोषित नहीं की गई है। फिल्म के निर्माताओं ने कहा है कि वे दर्शकों की मांग के अनुसार इस फ्रेंचाइजी की अगली फिल्में बनाते रहेंगे। इस फिल्म में जेसन स्टेथम, कर्टिस फ्रॉस्ट, जैक्सन मेकल फॉक्स, डॉग लुडगिन, टोनी जा और एडी क्रोटर के साथ वापसी करने की संभावना। द एक्सपेंडेबल फोर्स की बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्मेंस क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलती है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, द एक्सपेंडेबल फाइव यहाँ पे हमें दो पार्ट्स में देखने को मिलेगी, जिसका पहला पार्ट 2025 और इसका पार्ट 2027 में देखने को मिलेगा। बात करें इस मूवी को लेकर तो एक्सपेंडेबल सीरीज की अंतिम दो किस्तें दो पार्ट में विभाजित होगी। इसमें कई बड़े सितारों के साथ सबसे बड़ी कास्ट होगी। ये सबसे लंबी एक्सपेंडेबल्स मूवी होगी क्योंकि दोस्तों ये फ्रेंचाइजी की आखिरी मूवी होगी, इसलिए इसे दो भागों में विभाजित किया जाएगा और फिल्म में नए नए पार्ट, नए नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। बात करते हैं इसके दोनों पार्ट्स की, तो शुरू करते हैं पार्ट फर्स्ट के साथ। तो दोस्तों, पार्ट फर्स्ट में विरासत के पात्रों और कुछ नए पात्रों को दिखाया गया है और इसे लौटाने वाले पात्रों के साथ एक एक्सपेंडेबल सीक्वल फिल्म की तरह माना जाता है। पार्ट टू में यहाँ कई नए पात्रों का एक सॉफ्ट रिबूट के तरह, लेकिन यह अलविदा के लिए एक स्तुति भी है क्योंकि यह कई बड़े सितारों के साथ एक्शन शैली के एक प्रेम पत्र है। हालांकि पार्ट टू किसी अन्य सीक्वल के लिए कोई खुला अंत नहीं छोड़ रहा है क्योंकि इस फिल्म में लगभग सभी लोग मारे जाते हैं, लेकिन कुछ पात्रों के साथ स्पिन ऑफ का मौका हो जाता है। दोस्तों, बात करेगा इस मूवी की कास्ट को लेकर, तो इस मूवी की संभावित कास्ट और क्रू आज हम आपको बताएंगे। तो इसकी कास्ट हो सकती है दोस्तों, सिल्वेस्टर स्टेलोन जो कि बार्नी रॉस के रूप में, जेसन स्टैथम क्रिस्टमस के रूप में, डॉल्फ जिगलर गनर जेंसन के रूप में, टोनी जा यान यांग के रूप में, 50 सेंट हेलियंस के रूप में, मेल गिब्सन विलन जो कि कॉनर मैकग्रेगर होने वाले हैं के रूप में, मेगन फॉक्स जेसिका के रूप में, हैरिसन फोर्ड मैक्स ड्रोमर के रूप में यहाँ पे अपने अपने रोल निभाएंगे। बात करें इस मूवी की क्रू को लेकर, तो इसके डायरेक्टर होंगे स्कॉट वॉर, इस मूवी को प्रोड्यूस करेंगे अमी लाना, इस मूवी के राइटर है सिल्वेस्टर स्टेलोन, इस मूवी को सिनेमेटोग्राफ करेंगे सेले जॉनसन। बात करें इस मूवी के कंपोजर की, तो इस मूवी को कंपोज करेंगे टोनी मिलर, वहीं पर इस मूवी को म्यूजिक देंगे ब्रायन टेलर। वहीं बात करेगा अन्य कुछ सदस्यों की, तो दोस्तों इस मूवी के एक्शन कोरियोग्राफर होंगे कोयू हो, स्टंट कोरियोग्राफर होंगे विक्टर वो, प्रोडक्शन डिजाइनर होंगे डैन हेना, वहीं पर कॉस्ट्यूम डिजाइनर होंगे लिसा बुआ और साउंड डिजाइनर होंगे बेल बुआ। दोस्तों, बात करें इस मूवी के प्रोडक्शन बजट को, तो इस मूवी का प्रोडक्शन बजट लगभग 150 मिलियन होने वाला है। और बात करें इस मूवी के वर्ल्ड वाइड बजट की, तो इसका 150 मिलियन के लगभग बजट यहाँ पे एक्सपेक्ट किया है। और अगर बात करें इसके ओवरऑल बजट के, तो ये 400 मिलियन के बराबर हो जाता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को लेकर। तो दोस्तों, इसमें उससे रिलेटेड पहला फैक्ट है कि फिल्म का निर्देशन स्कॉट वॉक करेंगे। बात करें अगले फैक्ट की, तो वो है सिल्वेस्टर स्टेलोन, जेसन स्टेथम और डॉल्फ लुडग्रेन और टोनी जा फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाएंगे। बात करते हैं अगले फैक्ट की, तो मेगन फॉक्स और 50 सेंट फिल्म में नए कलाकार हैं। बात करें चौथे फैक्ट की, तो फिल्म की कहानी सिल्वेस्टर स्टेलोन और स्पेंसर कोएन ने लिखी है। बात करें इसके पांच फैक्ट की, तो फिल्म का बजट 3100 करोड़ रुपए होने वाला है,
जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 3100 करोड़ रुपए फिल्म का बजट होने वाला है। बात करें अगले इफेक्ट की तो फिल्म में एक्शन, रोमांस और थ्रिलर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बात करें अगर साथ इफेक्ट की तो फिल्म की शूटिंग विभिन्न स्थानों पर हुई है जिनमें थाईलैंड और चीन भी शामिल है। बात करते हैं आठवें इफेक्ट की तो फिल्म में स्टंट और एक्शन दृश्यों के लिए विशेषज्ञों को नियुक्त किया गया है। बात करें नवे इफेक्ट की तो फिल्म का संगीत ब्रायन टेलर ने तैयार किया है। बात करें दसवें इफेक्ट की तो ये मूवी 2 पार्ट्स में पार्ट 1 और पार्ट 2 जो कि 2025 और 2026 में रिलीज होंगे में आपको देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी लाइन को लेकर तो दोस्तों, फिल्म की शुरुआत बानी रॉस जो कि सिल्वेस्टर स्टेलोन है और उनके टीम जहाँ पे हम एक मिशन पर दिखाए गए हैं उन्हें एक शक्तिशाली और खतरनाक अपराधी को पकड़ने का काम सौंपा गया है जो दुनिया भर में आतंक फैला रहा है। जैसे टीम अपराधी के पीछे लगती है वे एक नए और खतरनाक दुश्मन का सामना करते हैं। यह दुश्मन कोनन मैकग्रेगोर जो कि मेल गिब्सन ने रोल निभाया है जो कि एक पुरुष सैन्य अधिकारी है और अब एक खतरनाक अपराधी बन गया है। इससे यहाँ पे उनकी फाइट होती है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि बार्नी और उसकी टीम को पता चलता है कि कोनन एक शक्तिशाली हथियार बना रहा है जो दुनिया को खतरे में डाल सकता है। टीम को इस हथियार को रोकने और कोनन को पकड़ने का काम सौंपा गया है। फिल्म में कई एक्शन से भरपूर दृश्य हैं जिनमें बार्नी और उसकी टीम कोनन के आदमियों से लड़ते हैं। फिल्म के अंत में बार्नी और कोनन के बीच एक भयंकर लड़ाई होती है जिसमें बार्नी विजय होता है। बात करें इसके मेन लीड एक्टर्स की तो इसमें बार्नी रॉस, ले क्रिस्टमस, गनर जेंसन, यान यांग, कॉनर मैकग्रेगोर और जेसिका देखने को मिलती है। बात करें इस मूवी के थीम की तो ये फिल्म एक मुख्य एक्शन, रोमांच और देशभक्ति फिल्म होने वाली है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक टीम खतरनाक अपराधियों के खिलाफ लड़ती है और दुनिया को बचाती है। दोस्तों, द एक्सपेंडेबल्स 5 के रिलीज डेट अभी तक घोषित नहीं की गई है। फिल्म के निर्माताओं ने कहा है कि वे दर्शकों की मांग के अनुसार इस फ्रेंचाइजी की अगली फिल्में बनाते रहेंगे। इस फिल्म में जेसन स्टेथम, कर्टिस प्रैट, जैक्सन मेकल फॉक्स, डॉग लुडगिन, टोनी जा और एडी क्रोटर के साथ वापसी करने की संभावना। द एक्सपेंडेबल 4 की बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्मेंस क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलती है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, द एक्सपेंडेबल 5 यहाँ पे हमें 2 पार्ट्स में देखने को मिलेगी जिसका पहला पार्ट 2025 और इसका पार्ट 2027 में देखने को मिलेगा। बात करें इस मूवी को लेकर तो एक्सपेंडेबल सीरीज की अंतिम 2 किस्तें 2 पार्ट में विभाजित होगी। इसमें कई बड़े सितारों के साथ सबसे बड़ी कास्ट होगी। ये सबसे लंबी एक्सपेंडेबल्स मूवी होगी क्योंकि दोस्तों ये फ्रेंचाइजी की आखिरी मूवी होंगी, इसलिए इसे 2 भागों में विभाजित किया जाएगा और फिल्म में नए नए पार्ट, नए नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। बात करते हैं इसके दोनों पार्ट्स की तो शुरू करते हैं पार्ट फर्स्ट के साथ। तो दोस्तों, पार्ट फर्स्ट में विरासत के पात्रों और कुछ नए पात्रों को दिखाया गया है और इसे लौटाने वाले पात्रों के साथ एक एक्सपेंडेबल सीक्वल फिल्म की तरह माना जाता है। पार्ट 2 में यहाँ कई नए पात्रों का एक सॉफ्ट रिबूट के तरह है, लेकिन यह अलविदा के लिए एक स्तुति भी है क्योंकि यह कई बड़े सितारों के साथ एक्शन शैली के एक प्रेम पत्र है। हालांकि पार्ट 2 किसी अन्य सीक्वल के लिए कोई खुला अंत नहीं छोड़ रहा है क्योंकि इस फिल्म में लगभग सभी लोग मारे जाते हैं, लेकिन कुछ पात्रों के साथ स्पिन ऑफ का मौका हो जाता है। दोस्तों, बात करेगा इस मूवी की कास्ट को लेकर तो इस मूवी की संभावित कास्ट और क्रू आज हम आपको बताएंगे। तो इसकी कास्ट हो सकती है दोस्तों सिल्वेस्टर स्टेलोन जो कि बार्नी रॉस के रूप में, जेसन स्टैथम क्रिस्टमस के रूप में, डॉल्फ जिगलर गनर जेंसन के रूप में, टोनी जा यान यांग के रूप में, 50 सेंट हेलियंस के रूप में, मेल गिब्सन विलन जो कि कोनन मैकग्रेगोर होने वाले हैं के रूप में, मेगन फोक्स जेसिका के रूप में, हैरिसन फोर्ड मैक्स ड्रोमर के रूप में यहाँ पे अपने अपने रोल निभाएंगे। बात करें इस मूवी की क्रू को लेकर तो इसके डायरेक्टर होंगे स्कॉट वॉर, इस मूवी को प्रोड्यूस करेंगे अमी लाना, इस मूवी के राइटर है सिल्वेस्टर स्टेलोन,
टोटोग्राफ करेंगे सेलेस जॉनसन। बात करें इस मूवी के कंपोजर की तो इस मूवी को कंपोज करेंगे टोनी मिलर। वहीं पर इस मूवी को म्यूजिक देंगे ब्रायन टेलर। वहीं बात करें अगर अन्य कुछ सदस्यों की तो दोस्तों इस मूवी के एक्शन कोरियोग्राफर होंगे कोयू हो, स्टंट कोरियोग्राफर होंगे विक्टर वो, प्रोडक्शन डिजाइनर होंगे डैन हेना, वहीं पर कॉस्ट्यूम डिजाइनर होंगे लिस वुआ और साउंड डिजाइनर होंगे बेल वुआ। दोस्तों बात करें इस मूवी के प्रोडक्शन बजट को तो इस मूवी का प्रोडक्शन बजट लगभग 150 मिलियन होने वाला है। और बात करें इस मूवी के वर्ल्ड वाइड बजट की तो इसका 150 मिलियन के लगभग बजट यहाँ एक्सपेक्ट किया है। और अगर बात करें इसके ओवरऑल बजट के तो ये 400 मिलियन के बराबर हो जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को लेकर। तो दोस्तों इसमें सिलेक्टेड पहला फैक्ट है कि फिल्म का निर्देशन स्कॉट वॉक करेंगे। बात करें अगले फैक्ट की तो वो है सिल्वेस्टर स्टेलोन, जेसन स्टेथम और डॉल्फ लंडग्रेन और टोनी जा फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाएंगे। बात करते हैं अगले फैक्ट की तो मेगन फॉक्स और 50 सेंट फिल्म में नए कलाकार हैं। बात करें चौथे फैक्ट की तो फिल्म की कहानी सिल्वेस्टर स्टेलोन और स्पेंसर कोएन ने लिखी है। बात करें इसके पांच इफेक्ट की तो फिल्म का बजट 3100 करोड़ रुपए होने वाला है। जी हां दोस्तों आपने सही सुना, 3100 करोड़ रुपए फिल्म का बजट होने वाला है। बात करें अगले इफेक्ट की तो फिल्म में एक्शन रोमांस और थ्रिलर यहां पे आपको देखने को मिलेगा। बात करें अगर सात इफेक्ट की तो फिल्म की शूटिंग विभिन्न स्थानों पर हुई है जिनमें थाईलैंड और चीन भी शामिल है। बात करते हैं आठवें पैट के तो फिल्म में स्टंट और एक्शन दृश्यों के लिए विशेषज्ञों को नियुक्त किया गया है। बात करें नवे फैक्ट के तो फिल्म का संगीत ब्रायन टेलर ने तैयार किया है। बात करें दसवें फैक्ट की तो ये मूवी दो पार्ट्स में पार्ट वन और पार्ट टू जो कि 2025 और 2026 में रिलीज होंगे में आपको देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी लाइन को लेकर। तो दोस्तों फिल्म की शुरुआत बानी रॉस जो कि सिल्वेस्टर स्टेलोन है और उनके टीम जहाँ पे हम एक मिशन पर दिखाए गए हैं उन्हें एक शक्तिशाली और खतरनाक अपराधी को पकड़ने का काम सौंपा गया है जो दुनिया भर में आतंक फैला रहा है। जैसे टीम अपराधी के पीछे लगती है वे एक नए और खतरनाक दुश्मन का सामना करते हैं। यह दुश्मन कोन मैकग्रेगोर जो कि मेल गिब्सन ने रोल निभाया है जो कि एक पुरुष सैन्य अधिकारी है और अब एक खतरनाक अपराधी बन गया है। इससे यहाँ पे उनकी फाइट होती है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि बार्नी और उसकी टीम को पता चलता है कि कोनन एक शक्तिशाली हथियार बना रहा है जो दुनिया को खतरे में डाल सकता है। टीम को इस हथियार को रोकने और कोनन को पकड़ने का काम सौंपा गया है। फिल्म में कई एक्शन से भरपूर दृश्य हैं जिनमें बार्नी और उसकी टीम कोनन के आदमियों से लड़ते हैं। फिल्म के अंत में बार्नी और कोनर के बीच एक भयंकर लड़ाई होती है जिसमें बार्नी विजय होता है। बात करें इसके मेन लीड एक्टर्स की तो इसमें बार्नी रॉस, ले क्रिस्टमस, गनर जेंसन, जेन यांग, कोनर मैकग्रेगोर और जेसिका देखने को मिलती है। बात करें इस मूवी के थीम की तो ये फिल्म एक मुख्य एक्शन रोमांच और देशभक्ति फिल्म होने वाली है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक टीम खतरनाक अपराधियों के खिलाफ लड़ती है और दुनिया को बचाती है। दोस्तों द एक्सपेंडेबल्स 5 के रिलीज डेट अभी तक घोषित नहीं की गई है। फिल्म के निर्माताओं ने कहा है कि वे दर्शकों की मांग के अनुसार इस फ्रेंचाइजी की अगली फिल्में बनाते रहेंगे। इस फिल्म में जेसन स्टेथम, कटिंग स्पैट, जैक्सन मेकल फॉक्स, डॉक लोडग्रेन, टोनी जा और एडी क्रोटर के साथ वापसी करने की संभावना। द एक्सपेंडेबल फोर्स की बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्मेंस क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलती है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों द एक्सपेंडेबल 5 यहाँ पे हमें दो पार्ट्स में देखने को मिलेगी जिसका पहला पार्ट 2025 और इसका पार्ट 2027 में देखने को मिलेगा। बात करें इस मूवी को लेकर तो एक्सपेंडेबल सीरीज की अंतिम दो किस्तें दो पार्ट में विभाजित होगी। इसमें कई बड़े सितारों के साथ सबसे बड़ी कास्ट होगी। ये सबसे लंबी एक्सपेंडेबल्स मूवी होगी क्योंकि दोस्तों ये फ्रेंचाइजी की आखिरी मूवी होगी, इसलिए इसे दो भागों में विभाजित किया जाएगा और फिल्म में नए नए पार्ट नए नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा।
बात करते हैं इसके दोनों पार्ट्स की। तो शुरू करते हैं पार्ट फर्स्ट के साथ। तो दोस्तों पार्ट फर्स्ट में विरासत के पात्रों और कुछ नए पात्रों को दिखाया गया है और इसे लौटाने वाले पात्रों के साथ एक एक्सपेंडेबल सीक्वल फिल्म की तरह माना जाता है। पार्ट टू में यहाँ कई नए पात्रों का एक सॉफ्ट रिबूट के तरह, लेकिन यह अलविदा के लिए एक स्तुति भी है क्योंकि यह कई बड़े सितारों के साथ एक्शन शैली के एक प्रेम पत्र है। हालांकि पार्ट टू किसी अन्य सीक्वल के लिए कोई खुला अंत नहीं छोड़ रहा है क्योंकि इस फिल्म में लगभग सभी लोग मारे जाते हैं, लेकिन कुछ पात्रों के साथ स्पिन ऑफ का मौका हो जाता है। दोस्तों बात करेगा इस मूवी की कास्ट को लेकर, तो इस मूवी की संभावित कास्ट और क्रू आज हम आपको बताएंगे। तो इसकी कास्ट हो सकती है दोस्तों सिल्वेस्टर स्टेलोन जो कि बाली रोस के रूप में, जेसन स्टैथम क्रिस्टमस के रूप में, डॉल्फ जिगलर गनर जेंसन के रूप में, टोनी जायन यांग के रूप में, 50 सेंट हेलियंस के रूप में, मेल गिब्सन विलन जो कि कोनन मैकग्रेगोर होने वाले हैं के रूप में, मेगन फोक्स जेसिका के रूप में, हैरिसन फोर्ड मैक्स ड्रोमर के रूप में यहाँ पे अपने अपने रोल निभाएंगे। बात करें इस मूवी की क्रू को लेकर, तो इसके डायरेक्टर होंगे स्कॉट बॉर्न, इस मूवी को प्रोड्यूस करेंगे अमी लाना, इस मूवी के राइटर है सिल्वेस्टर स्टेलोन, इस मूवी को सिनेमेटोग्राफ करेंगे सेलेस जॉनसन। बात करें इस मूवी के कंपोजर की, तो इस मूवी को कंपोज करेंगे टोनी मिलर, वहीं पर इस मूवी को म्यूजिक देंगे ब्रायन टेलर। वहीं बात करें अगर अन्य कुछ सदस्यों की, तो दोस्तों इस मूवी के एक्शन कोरियोग्राफर होंगे कोयू हो, स्टंट कोरियोग्राफर होंगे विक्टर वो, प्रोडक्शन डिजाइनर होंगे डैन हेना, वहीं पर कॉस्ट्यूम डिजाइनर होंगे लिस बुआ और साउंड डिजाइनर होंगे वेल बुआ। दोस्तों बात करें इस मूवी के प्रोडक्शन बजट को, तो इस मूवी का प्रोडक्शन बजट लगभग 150 मिलियन होने वाला है। और बात करें इस मूवी के वर्ल्ड वाइड बजट की, तो इसका 150 मिलियन के लगभग बजट यहाँ पे एक्सपेक्ट किया है। और अगर बात करें इसके ओवरऑल बजट के, तो ये 400 मिलियन के बराबर हो जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को लेकर। तो दोस्तों इसमें सिलेक्टेड पहला फैक्ट है कि फिल्म का निर्देशन स्कॉट वॉक करेंगे। बात करें अगले फैक्ट की, तो वो है सिल्वेस्टर स्टेलोन, जेसन स्टैथम और डॉल्फ लुंडग्रेन और टोनी जा फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाएंगे। बात करते हैं अगले फैक्ट की, तो मेगन फॉक्स और 50 सेंट फिल्म में नए कलाकार हैं। बात करें चौथे फैक्ट की, तो फिल्म की कहानी सिल्वेस्टर स्टेलोन और स्पेंसर कोएन ने लिखी है। बात करें इसके पांच इफेक्ट की, तो फिल्म का बजट 3100 करोड़ रुपए होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 3100 करोड़ रुपए इस फिल्म का बजट होने वाला है। बात करें अगले इफेक्ट की, तो फिल्म में एक्शन रोमांस और थ्रिलर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बात करें अगर सात इफेक्ट की, तो फिल्म की शूटिंग विभिन्न स्थानों पर हुई है जिनमें थाईलैंड और चीन भी शामिल है। बात करते हैं आठवें पैट के, तो फिल्म में स्टंट और एक्शन दृश्यों के लिए विशेषज्ञों को नियुक्त किया गया है। बात करें नवे फैक्ट के, तो फिल्म का संगीत ब्रायन टेलर ने तैयार किया है। बात करें दसवें फैक्ट के, तो ये मूवी दो पार्ट्स में पार्ट वन और पार्ट टू जो कि 2025 और 2026 में रिलीज होंगे में आपको देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी लाइन को लेकर, तो दोस्तों फिल्म की शुरुआत बानी रोज जो कि सिल्वेस्टर स्टेलोन है और उनके टीम जहाँ पे हम एक मिशन पर दिखाए गए हैं, उन्हें एक शक्तिशाली और खतरनाक अपराधी को पकड़ने का काम सौंपा गया है जो दुनिया भर में आतंक फैला रहा है। जैसे टीम अपराधी के पीछे लगती है, वे एक नए और खतरनाक दुश्मन का सामना करते हैं। यह दुश्मन कोनन मैकग्रेगोर जो कि मेल गिब्सन ने रोल निभाया है, जो कि एक पुरुष सैन्य अधिकारी है और अब एक खतरनाक अपराधी बन गया है। इससे यहाँ पे उनकी फाइट होती है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि बार्नी और उसकी टीम को पता चलता है कि कोनन एक शक्तिशाली हथियार बना रहा है जो दुनिया को खतरे में डाल सकता है। टीम को इस हथियार को रोकने और कोनन को पकड़ने का काम सौंपा गया है। फिल्म में कई एक्शन से भरपूर दृश्य हैं जिनमें बार्नी और उसकी टीम कोनन के आदमियों से लड़ते हैं। फिल्म के अंत में बार्नी और कोनर के बीच एक बैंक लड़ाई होती है जिसमें बार्नी विजय होता है। बात करें इसके मेन लीड एक्टर्स की, तो इसमें बार्नी रॉस, ले क्रिस्टमस, गनर जेंसन, यांग,
कॉनर मैग्रेगर और जेसिका देखने को मिलती है। बात करें इस मूवी के थीम की तो ये फिल्म एक मुख्य एक्शन रोमांच और देशभक्ति फिल्म होने वाली है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक टीम खतरनाक अपराधियों के खिलाफ लड़ती है और दुनिया को बचाती है। दोस्तों द एक्सपेंडेबल्स 5 के रिलीज डेट अभी तक घोषित नहीं की गई है। फिल्म के निर्माताओं ने कहा है कि वे दर्शकों की मांग के अनुसार इस फ्रेंचाइजी की अगली फिल्में बनाते रहेंगे। इस फिल्म में जेसन स्टेथम, कर्टिस फ्रॉस्ट, जैक्सन मेकल फॉक्स, डॉक लुडगिंग, टोनी जा और एडी क्रोटर के साथ वापसी करने की संभावना। द एक्सपेंडेबल फोर्स की बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्मेंस क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलती है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों द एक्सपेंडेबल फाइव यहाँ पे हमें दो पार्ट्स में देखने को मिलेगी, जिसका पहला पार्ट 2025 और इसका पार्ट 2027 में देखने को मिलेगा। बात करें इस मूवी को लेकर तो एक्सपेंडेबल सीरीज की अंतिम दो किस्तें दो पार्ट में विभाजित होगी। इसमें कई बड़े सितारों के साथ सबसे बड़ी कास्ट होगी। ये सबसे लंबी एक्सपेंडेबल्स मूवी होगी क्योंकि दोस्तों ये फ्रेंचाइजी की आखिरी मूवी होगी, इसलिए इसे दो भागों में विभाजित किया जाएगा और फिल्म में नए नए पार्ट नए नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। बात करते हैं इसके दोनों पार्ट्स की, तो शुरू करते हैं पार्ट फर्स्ट के साथ। तो दोस्तों पार्ट फर्स्ट में विरासत के पात्रों और कुछ नए पात्रों को दिखाया गया है और इसे लौटाने वाले पात्रों के साथ एक एक्सपेंडेबल सीक्वल फिल्म की तरह माना जाता है। पार्ट टू में यहाँ कई नए पात्रों का एक सॉफ्ट रिबूट के तरह, लेकिन यह अलविदा के लिए एक स्तुति भी है क्योंकि यह कई बड़े सितारों के साथ एक्शन शैली के एक प्रेम पत्र है। हालांकि पार्ट टू किसी अन्य सीक्वल के लिए कोई खुला अंत नहीं छोड़ रहा है क्योंकि इस फिल्म में लगभग सभी लोग मारे जाते हैं, लेकिन कुछ पात्रों के साथ स्पिन ऑफ का मौका हो जाता है। दोस्तों बात करेंगे इस मूवी की कास्ट को लेकर, तो इस मूवी की संभावित कास्ट और क्रू आज हम आपको बताएंगे। तो इसकी कास्ट हो सकती है दोस्तों सिल्वेस्टर स्टेलोन जो कि बाली रोस के रूप में, जेसन स्टैथम क्रिस्टमस के रूप में, डॉल्फ जिगलर गनर जेंसन के रूप में, टोनी जा एन यांग के रूप में, 50 सेंट हेलियंस के रूप में, मेल गिब्सन विलन जो कि कॉनर मैकग्रेगर होने वाले हैं के रूप में, मेगन फॉक्स जेसिका के रूप में, हैरिसन फोर्ड मैक्स ड्रूमर के रूप में यहाँ पे अपने अपने रोल निभाएंगे। बात करें इस मूवी की क्रू को लेकर, तो इसके डायरेक्टर होंगे स्कॉट वॉर, इस मूवी को प्रोड्यूस करेंगे अमी लाना, इस मूवी के राइटर है सिल्वेस्टर स्टेलोन, इस मूवी को सिनेमेटोग्राफ करेंगे सेले जॉनसन। बात करें इस मूवी के कंपोजर की, तो इस मूवी को कंपोज करेंगे टोनी मिलर, वहीं पर इस मूवी को म्यूजिक देंगे ब्रायन टेलर। वहीं बात करें अगर अन्य कोई सदस्य की, तो दोस्तों इस मूवी के एक्शन कोरियोग्राफर होंगे कोयू हो, स्टंट कोरियोग्राफर होंगे विक्टर वो, प्रोडक्शन डिजाइनर होंगे डैन हेना, वहीं पर कॉस्ट्यूम डिजाइनर होंगे लिसा बुआ और साउंड डिजाइनर होंगे बेल बुआ। दोस्तों बात करें इस मूवी के प्रोडक्शन बजट को, तो इस मूवी का प्रोडक्शन बजट लगभग 150 मिलियन होने वाला है। और बात करें इस मूवी के वर्ल्ड वाइड बजट की, तो इसका 150 मिलियन के लगभग बजट यहाँ पे एक्सपेक्ट किया है। और अगर बात करें इसके ओवरऑल बजट के, तो ये 400 मिलियन के बराबर हो जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को लेकर। तो दोस्तों इसमें से रिलेटेड पहला फैक्ट है कि फिल्म का निर्देशन स्कॉट वॉर करेंगे। बात करें अगले फैक्ट की, तो वो है सिल्वेस्टर स्टेलोन, जेसन स्टेथम और डॉल्फ लुंडग्रेन और टोनी जा फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाएंगे। बात करते हैं अगले फैक्ट की, तो मेगन फॉक्स और 50 सेंट फिल्म्स में नए कलाकार हैं। बात करें चौथे फैक्ट की, तो फिल्म की कहानी सिल्वेस्टर स्टेलोन और स्पेंसर कोएन ने लिखी है। बात करें इसके पांच फैक्ट की, तो फिल्म का बजट 3100 करोड़ रुपए होने वाला है। जी हां दोस्तों आपने सही सुना, 3100 करोड़ रुपए फिल्म का बजट होने वाला है। बात करें अगले फैक्ट की, तो फिल्म में एक्शन रोमांच और थ्रिलर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बात करें अगर सात फैक्ट की, तो फिल्म की शूटिंग विभिन्न स्थानों पर हुई है जिनमें थाईलैंड और चीन भी शामिल है। बात करते हैं आठवें फैक्ट की, तो फिल्म में स्टंट और एक्शन दृश्यों के लिए विशेषज्ञों को नियुक्त किया गया है।
बात करें अब इफेक्ट की तो फिल्म का संगीत ब्रांड टेलर ने तैयार किया है। बात करें दसवें इफेक्ट की तो ये मूवी दो पार्ट्स में पार्ट वन और पार्ट टू जो कि 2025 और 2026 में रिलीज होंगे में आपको देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी लाइन को लेकर तो दोस्तों फिल्म की शुरुआत बानी रॉस जो कि सिल्वेस्टर स्टेलोन है और उनके टीम जहाँ पे हम एक मिशन पर दिखाए गए हैं उन्हें एक शक्तिशाली और खतरनाक अपराधी को पकड़ने का काम सौंपा गया है जो दुनिया भर में आतंक फैला रहा है। जैसे टीम अपराधी के पीछे लगती है वे एक नए और खतरनाक दुश्मन का सामना करते हैं। यह दुश्मन कोनन मैकग्रेगोर जो कि मेल गिब्सन ने रोल निभाया है जो कि एक पुरुष सैन्य अधिकारी है और अब एक खतरनाक अपराधी बन गया है। इससे यहाँ पे उनकी फाइट होती है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि बार्नी और उसकी टीम को पता चलता है कि कोनन एक शक्तिशाली हथियार बना रहा है जो दुनिया को खतरे में डाल सकता है। टीम को इस हथियार को रोकने और कोनन को पकड़ने का काम सौंपा गया है। फिल्म में कई एक्शन से भरपूर दृश्य हैं जिनमें बार्नी और उसकी टीम कोनन के आदमियों से लड़ते हैं। फिल्म के अंत में बार्नी और कोनन के बीच एक भयंकर लड़ाई होती है जिसमें बार्नी विजय होता है। बात करें इसके मेन लीड एक्टर्स की तो इसमें बार्नी रॉस, ले क्रिस्टमस, गनर जेंसन, जेन यांग, कोनर मैग्रेगोर और जेसिका देखने को मिलती है। बात करें इस मूवी के थीम की तो ये फिल्म एक मुख्य एक्शन रोमांच और देशभक्ति फिल्म होने वाली है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक टीम खतरनाक अपराधियों के खिलाफ लड़ती है और दुनिया को बचाती है। दोस्तों द एक्सपेंडेबल्स 5 के रिलीज डेट अभी तक घोषित नहीं की गई है। फिल्म के निर्माताओं ने कहा है कि वे दर्शकों की मांग के अनुसार इस फ्रेंचाइजी की अगली फिल्में बनाते रहेंगे। इस फिल्म में जेसन स्टेथम, कर्टिस प्रैट, जैक्सन मैकलफॉक्स, डॉग लुडगिंग, टोनी जा और एडी क्रोटर के साथ वापसी करने की संभावना। द एक्सपेंडेबल 4 की बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्मेंस क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलती है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों द एक्सपेंडेबल 5 यहाँ पे हमें दो पार्ट्स में देखने को मिलेगी जिसका पहला पार्ट 2025 और इसका पार्ट 2027 में देखने को मिलेगा। बात करें इस मूवी को लेकर तो एक्सपेंडेबल सीरीज की अंतिम दो किस्तें दो पार्ट में विभाजित होगी। इसमें कई बड़े सितारों के साथ सबसे बड़ी कास्ट होगी। ये सबसे लंबी एक्सपेंडेबल्स मूवी होगी क्योंकि दोस्तों ये फ्रेंचाइजी की आखिरी मूवी होगी, इसलिए इसे दो भागों में विभाजित किया जाएगा और फिल्म में नए नए पार्ट नए नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। बात करते हैं इसके दोनों पार्ट्स की तो शुरू करते हैं पार्ट फर्स्ट के साथ। तो दोस्तों पार्ट फर्स्ट में विरासत के पात्रों और कुछ नए पात्रों को दिखाया गया है और इसे लौटाने वाले पात्रों के साथ एक एक्सपेंडेबल सीक्वल फिल्म की तरह माना जाता है। पार्ट टू में यहाँ कई नए पात्रों का एक सॉफ्ट रिबूट के तरह लेकिन यह अलविदा के लिए एक स्तुति भी है क्योंकि यह कई बड़े सितारों के साथ एक्शन शैली के एक प्रेम पत्र है। हालांकि पार्ट टू किसी अन्य सीक्वल के लिए कोई खुला अंत नहीं छोड़ रहा है क्योंकि इस फिल्म में लगभग सभी लोग मारे जाते हैं लेकिन कुछ पात्रों के साथ स्पिन ऑफ का मौका हो जाता है। दोस्तों बात करेगा इस मूवी की कास्ट को लेकर तो इस मूवी की संभावित कास्ट और क्रू आज हम आपको बताएंगे। तो इसकी कास्ट हो सकती है दोस्तों सिल्वेस्टर स्टेलोन जो कि बार्नी रॉस के रूप में, जेसन स्टैथम क्रिस्टमस के रूप में, डॉल्फ जिगलर गनर जेंसन के रूप में, टोनी जा एन यांग के रूप में, 50 सेंट हेलियंस के रूप में, मेल गिब्सन विलन जो कि कोनन मैकग्रेगोर होने वाले हैं के रूप में, मेगन फोक्स जेसिका के रूप में, हैरिसन फोर्ड मैक्स ड्रोमर के रूप में यहाँ पे अपने अपने रोल निभाएंगे। बात करें इस मूवी की क्रू को लेकर तो इसके डायरेक्टर होंगे स्कॉट वॉर, इस मूवी को प्रोड्यूस करेंगे अमी लाना, इस मूवी के राइटर है सिल्वेस्टर स्टेलोन, इस मूवी को सिनेमेटोग्राफ करेंगे सेले जॉनसन। बात करें इस मूवी के कंपोजर की तो इस मूवी को कंपोज करेंगे टोनी मिलर, वहीं पर इस मूवी को म्यूजिक देंगे ब्रायन टेलर। वहीं बात करें अगर अन्य कुछ सदस्यों की तो दोस्तों इस मूवी के एक्शन कोरियोग्राफर होंगे कोयू हो, स्टंट कोरियोग्राफर होंगे विक्टर वो, प्रोडक्शन डिजाइनर होंगे डैन हेना, वहीं पर कॉस्ट्यूम डिजाइनर होंगे लिस हुआ और साउंड डिजाइनर होंगे वेल हुआ।
दोस्तों बात करें इस मूवी के प्रोडक्शन बजट को, तो इस मूवी का प्रोडक्शन बजट लगभग 150 मिलियन होने वाला है। और बात करें इस मूवी के वर्ल्ड वाइड बजट की, तो इसका 150 मिलियन के लगभग बजट आप एक्सपेक्ट किया है। और अगर बात करें इसके ओवरऑल बजट के, तो ये 400 मिलियन के बराबर हो जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को लेकर। तो दोस्तों इसमें सिलेक्टेड पहला फैक्ट है कि फिल्म का निर्देशन स्कॉट वॉक करेंगे। बात करें अगले फैक्ट की, तो वो है सिल्वेस्टर स्टेलोन, जेसन स्टेथम और डॉल्फ लंडग्रेन और टोनी जा फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाएंगे। बात करते हैं अगले फैक्ट की, तो मेगन फॉक्स और 50 सेंट फिल्म में नए कलाकार हैं। बात करें चौथे फैक्ट की, तो फिल्म की कहानी सिल्वेस्टर स्टेलोन और स्पेंसर कोएन ने लिखी है। बात करें इसके पांच इफेक्ट की, तो फिल्म का बजट 3100 करोड़ रुपए होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 3100 करोड़ रुपए इस फिल्म का बजट होने वाला है। बात करें अगले इफेक्ट की, तो फिल्म में एक्शन, रोमांस और थ्रिलर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बात करें अगर सात इफेक्ट की, तो फिल्म की शूटिंग विभिन्न स्थानों पर हुई है जिनमें थाईलैंड और चीन भी शामिल है। बात करते हैं आठवें पैट की, तो फिल्म में स्टंट और एक्शन दृश्यों के लिए विशेषज्ञों को नियुक्त किया गया है। बात करें नवे फैक्ट की, तो फिल्म का संगीत ब्रायन टेलर ने तैयार किया है। बात करें दसवें फैक्ट की, तो ये मूवी दो पार्ट्स में, पार्ट वन और पार्ट टू, जो कि 2025 और 2026 में रिलीज होंगे, में आपको देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी लाइन को लेकर। तो दोस्तों फिल्म की शुरुआत बानी रोज, जो कि सिल्वेस्टर स्टेलोन है, और उनके टीम जहाँ पे हम एक मिशन पर दिखाए गए हैं, उन्हें एक शक्तिशाली और खतरनाक अपराधी को पकड़ने का काम सौंपा गया है जो दुनिया भर में आतंक फैला रहा है। जैसे टीम अपराधी के पीछे लगती है, वे एक नए और खतरनाक दुश्मन का सामना करते हैं। यह दुश्मन कोनन मैकग्रेगोर, जो कि मेल गिब्सन ने रोल निभाया है, जो कि एक पुरुष सैन्य अधिकारी है और अब एक खतरनाक अपराधी बन गया है। इससे यहाँ पे उनकी फाइट होती है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि बार्नी और उसकी टीम को पता चलता है कि कोनन एक शक्तिशाली हथियार बना रहा है जो दुनिया को खतरे में डाल सकता है। टीम को इस हथियार को रोकने और कोनन को पकड़ने का काम सौंपा गया है। फिल्म में कई एक्शन से भरपूर दृश्य हैं जिनमें बार्नी और उसकी टीम कोनन के आदमियों से लड़ते हैं। फिल्म के अंत में बार्नी और कोनर के बीच एक भयंकर लड़ाई होती है जिसमें बार्नी विजय होता है। बात करें इसके मेन लीड एक्टर्स की, तो इसमें बार्नी रॉस, ले क्रिस्टमस, गनर जेंसन, जेन यांग, कोनर मैकग्रेगोर और जेसिका देखने को मिलती है। बात करें इस मूवी के थीम की, तो ये फिल्म एक मुख्य एक्शन, रोमांच और देशभक्ति फिल्म होने वाली है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक टीम खतरनाक अपराधियों के खिलाफ लड़ती है और दुनिया को बचाती है। दोस्तों द एक्सपेंडेबल्स 5 के रिलीज डेट अभी तक घोषित नहीं की गई है। फिल्म के निर्माताओं ने कहा है कि वे दर्शकों की मांग के अनुसार इस फ्रेंचाइजी की अगली फिल्में बनाते रहेंगे। इस फिल्म में जेसन स्टेथम, कर्टिस प्रैट, जैक्सन मेगन फॉक्स, डॉल्फ लंडग्रेन, टोनी जा और एडी क्रॉटर के साथ वापसी करने की संभावना। द एक्सपेंडेबल फोर्स की बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्मेंस, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलती है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों द एक्सपेंडेबल 5 यहाँ पे हमें दो पार्ट्स में देखने को मिलेगी, जिसका पहला पार्ट 2025 और इसका पार्ट 2027 में देखने को मिलेगा। बात करें इस मूवी को लेकर, तो एक्सपेंडेबल सीरीज की अंतिम दो किस्तें दो पार्ट में विभाजित होगी। इसमें कई बड़े सितारों के साथ सबसे बड़ी कास्ट होगी। ये सबसे लंबी एक्सपेंडेबल्स मूवी होगी, क्योंकि दोस्तों ये फ्रेंचाइजी की आखिरी मूवी होगी, इसलिए इसे दो भागों में विभाजित किया जाएगा और फिल्म में नए नए पार्ट, नए नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। बात करते हैं इसके दोनों पार्ट्स की, तो शुरू करते हैं पार्ट फर्स्ट के साथ। तो दोस्तों पार्ट फर्स्ट में विरासत के पात्रों और कुछ नए पात्रों को दिखाया गया है, और इसे लौटाने वाले पात्रों के साथ एक एक्सपेंडेबल सीक्वल फिल्म की तरह माना जाता है। पार्ट टू में यहाँ कई नए पात्रों का एक सॉफ्ट रिबूट के तरह, लेकिन यह अलविदा के लिए एक स्तुति भी है, क्योंकि यह कई बड़े सितारों के साथ एक्शन शैली के एक प्रेम पत्र है। हालांकि पार्ट टू किसी अन्य सीक्वल
सिक्वल के लिए कोई कुलांत नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि इस फिल्म में लगभग सभी लोग मारे जाते हैं, लेकिन कुछ पात्रों के साथ स्पिन ऑफ का मौका हो जाता है। दोस्तों बात करेंगे इस मूवी की कास्ट को लेकर, तो इस मूवी की संभावित कास्ट और क्रू आज हम आपको बताएंगे। तो इसकी कास्ट हो सकती है दोस्तों सिल्वेस्टर स्टेलोन जो कि बाली रोस के रूप में, जेसन स्टैथम क्रिस्टमस के रूप में, डॉल्फ जिगलर गनर जेंसन के रूप में, टोनी जायन यांग के रूप में, 50 सेंट हेलियंस के रूप में, मेल गिब्सन विलन जो कि कॉनन मैकग्रेगर होने वाले हैं के रूप में, मेगन फॉक्स जेसिका के रूप में, हैरिसन फोर्ड मैक्स ड्रूमर के रूप में यहाँ पे अपने अपने रोल निभाएंगे। बात करें इस मूवी की क्रू को लेकर, तो इसके डायरेक्टर होंगे स्कॉट वॉर, इस मूवी को प्रोड्यूस करेंगे अमी लाना, इस मूवी के राइटर है सिल्वेस्टर स्टेलोन, इस मूवी को सिनेमेटोग्राफ करेंगे सेलेस जॉनसन। बात करें इस मूवी के कंपोजर की, तो इस मूवी को कंपोज करेंगे टोनी मिलर, वहीं पर इस मूवी को म्यूजिक देंगे ब्रायन टेलर। वहीं बात करें अगर अन्य कुछ सदस्यों की, तो दोस्तों इस मूवी के एक्शन कोरियोग्राफर होंगे कोयू हो, स्टंट कोरियोग्राफर होंगे विक्टर वो, प्रोडक्शन डिजाइनर होंगे डैन हेना, वहीं पर कॉस्ट्यूम डिजाइनर होंगे लिस बुआ और साउंड डिजाइनर होंगे बेल बुआ। दोस्तों बात करें इस मूवी के प्रोडक्शन बजट को, तो इस मूवी का प्रोडक्शन बजट लगभग 150 मिलियन होने वाला है। और बात करें इस मूवी के वर्ल्ड वाइड बजट की, तो इसका 150 मिलियन के लगभग बजट यहाँ पे एक्सपेक्ट किया है। और अगर बात करें इसके ओवरऑल बजट के, तो ये 400 मिलियन के बराबर हो जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को लेकर। तो दोस्तों इसमें से रिलेटेड पहला फैक्ट है कि फिल्म का निर्देशन स्कॉट वॉक करेंगे। बात करें अगले फैक्ट की, तो वो है सिल्वेस्टर स्टेलोन, जेसन स्टेथम और डॉल्फ लुंडग्रेन और टोनी जा फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाएंगे। बात करते हैं अगले फैक्ट की, तो मेगन फॉक्स और 50 सेंट फिल्म्स में नए कलाकार हैं। बात करें चौथे फैक्ट की, तो फिल्म की कहानी सिल्वेस्टर स्टेलोन और स्पेंसर कोएन ने लिखी है। बात करें इसके पांच फैक्ट की, तो फिल्म का बजट 3100 करोड़ रुपए होने वाला है। जी हां दोस्तों आपने सही सुना, 3100 करोड़ रुपए इस फिल्म का बजट होने वाला है। बात करें अगले फैक्ट की, तो फिल्म में एक्शन रोमांस और थ्रिलर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बात करें अगर सात फैक्ट की, तो फिल्म की शूटिंग विभिन्न स्थानों पर हुई है जिनमें थाईलैंड और चीन भी शामिल है। बात करते हैं आठवें फैक्ट की, तो फिल्म में स्टंट और एक्शन दृश्यों के लिए विशेषज्ञों को नियुक्त किया गया है। बात करें नवे फैक्ट की, तो फिल्म का संगीत ब्रायन टेलर ने तैयार किया है। बात करें दसवें फैक्ट की, तो ये मूवी दो पार्ट्स में पार्ट वन और पार्ट टू जो कि 2025 और 2026 में रिलीज होंगे में आपको देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी लाइन को लेकर, तो दोस्तों फिल्म की शुरुआत बानी रोज जो कि सिल्वेस्टर स्टेलोन है और उनके टीम जहाँ पे हम एक मिशन पर दिखाए गए हैं, उन्हें एक शक्तिशाली और खतरनाक अपराधी को पकड़ने का काम सौंपा गया है जो दुनिया भर में आतंक फैला रहा है। जैसे टीम अपराधी के पीछे लगती है, वे एक नए और खतरनाक दुश्मन का सामना करते हैं। यह दुश्मन कॉनन मैकग्रेगर जो कि मेल गिब्सन ने रोल निभाया है, जो कि एक पुरुष सैन्य अधिकारी है और अब एक खतरनाक अपराधी बन गया है। इससे यहाँ पे उनकी फाइट होती है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि बार्नी और उसकी टीम को पता चलता है कि कॉनन एक शक्तिशाली हथियार बना रहा है जो दुनिया को खतरे में डाल सकता है। टीम को इस हथियार को रोकने और कॉनर को पकड़ने का काम सौंपा गया है। फिल्म में कई एक्शन से भरपूर दृश्य हैं जिनमें बार्नी और उसकी टीम कॉनर के आदमियों से लड़ते हैं। फिल्म के अंत में बार्नी और कॉनर के बीच एक भयंकर लड़ाई होती है जिसमें बार्नी विजय होता है। बात करें इसके मेन लीड एक्टर्स की, तो इसमें बार्नी रॉस, ले क्रिस्टमस, गनर जेंसन, यान यांग, कॉनर मैकग्रेगर और जेसिका देखने को मिलती है। बात करें इस मूवी के थीम की, तो ये फिल्म एक मुख्य एक्शन रोमांच और देशभक्ति फिल्म होने वाली है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक टीम खतरनाक अपराधियों के खिलाफ लड़ती है और दुनिया को बचाती है। दोस्तों द एक्सपेंडेबल्स 5 के रिलीज डेट अभी तक घोषित नहीं की गई है। फिल्म के निर्माताओं ने कहा है कि वे दर्शकों की मांग के अनुसार इस फ्रेंचाइजी की अगली फिल्में बनाते रहेंगे।
इस फिल्म में जेसन स्टेथम, कटिंग स्पैथ सेंट, जैक्सन मेकर फॉक्स, डॉक लोडविंग्स, टोनी जा और एडी क्रोटर के साथ वापसी करने की संभावना। द एक्सपेंडेबल फोर्स की बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्मेंस क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलती है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों द एक्सपेंडेबल फाइव में आपको दो पार्ट्स में देखने को मिलेगी, जिसका पहला पार्ट 2025 और इसका पार्ट 2027 में देखने को मिलेगा। बात करें इस मूवी को लेकर तो एक्सपेंडेबल सीरीज की अंतिम दो किस्तें दो पार्ट में विभाजित होगी। इसमें कई बड़े सितारों के साथ सबसे बड़ी कास्ट होगी। ये सबसे लंबी एक्सपेंडेबल्स मूवी होगी क्योंकि दोस्तों ये फ्रेंचाइजी की आखिरी मूवी होंगी, इसलिए इसे दो भागों में विभाजित किया जाएगा और फिल्म में नए नए पार्ट नए नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। बात करते हैं इसके दोनों पार्ट्स की, तो शुरू करते हैं पार्ट फर्स्ट के साथ। तो दोस्तों पार्ट फर्स्ट में विरासत के पात्रों और कुछ नए पात्रों को दिखाया गया है और इसे लौटाने वाले पात्रों के साथ एक एक्सपेंडेबल सीक्वल फिल्म की तरह माना जाता है। पार्ट टू में यहाँ कई नए पात्रों का एक सॉफ्ट रिबूट के तरह, लेकिन यह अलविदा के लिए एक स्तुति भी है क्योंकि यह कई बड़े सितारों के साथ एक्शन शैली के एक प्रेम पत्र है। हालांकि पार्ट टू किसी अन्य सीक्वल के लिए कोई खुला अंत नहीं छोड़ रहा है क्योंकि इस फिल्म में लगभग सभी लोग मारे जाते हैं, लेकिन कुछ पात्रों के साथ स्पिन ऑफ का मौका हो जाता है। दोस्तों बात करेगा इस मूवी की कास्ट को लेकर, तो इस मूवी की संभावित कास्ट और क्रू आज हम आपको बताएंगे। तो इसकी कास्ट हो सकती है दोस्तों सिल्वेस्टर स्टेलोन जो कि बाली रॉस के रूप में, जेसन स्टैथम क्रिस्टमस के रूप में, डॉल्फ जिगलर गनर जेंसन के रूप में, टोनी जा यानी यंग के रूप में, 50 सेंट हेलियंस के रूप में, मेल गिब्सन विलन जो कि कॉनन मैकग्रेगर होने वाले हैं के रूप में, मेगन फॉक्स जेसिका के रूप में, हैरिसन फोर्ड मैक्स ड्रूमर के रूप में यहाँ पे अपने अपने रोल निभाएंगे। बात करें इस मूवी की क्रू को लेकर, तो इसके डायरेक्टर होंगे स्कॉट वॉ, इस मूवी को प्रोड्यूस करेंगे अमी लाना, इस मूवी के राइटर है सिल्वेस्टर स्टेलोन, इस मूवी को सिनेमेटोग्राफ करेंगे सेले जॉनसन। बात करें इस मूवी के कंपोजर की, तो इस मूवी को कंपोज करेंगे टोनी मिलर, वहीं पर इस मूवी को म्यूजिक देंगे ब्रायन टेलर। वहीं बात करें अगर अन्य कोई सदस्य की, तो दोस्तों इस मूवी के एक्शन कोरियोग्राफर होंगे कोयू हो, स्टंट कोरियोग्राफर होंगे विक्टर वो, प्रोडक्शन डिजाइनर होंगे डैन हेना, वहीं पर कॉस्ट्यूम डिजाइनर होंगे लिसा बुआ और साउंड डिजाइनर होंगे वेल बुआ। दोस्तों बात करें इस मूवी के प्रोडक्शन बजट को, तो इस मूवी का प्रोडक्शन बजट लगभग 150 मिलियन होने वाला है। और बात करें इस मूवी के वर्ल्ड वाइड बजट की, तो इसका 150 मिलियन के लगभग बजट यहाँ पे एक्सपेक्ट किया है। और अगर बात करें इसके ओवरऑल बजट के, तो ये 400 मिलियन के बराबर हो जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को लेकर। तो दोस्तों इसमें उससे रिलेटेड पहला फैक्ट है कि फिल्म का निर्देशन स्कॉट वॉ करेंगे। बात करें अगले फैक्ट की, तो वो है सिल्वेस्टर स्टेलोन, जेसन स्टेथम और डॉल्फ लुंडग्रेन और टोनी जा फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाएंगे। बात करते हैं अगले फैक्ट की, तो मेगन फॉक्स और 50 सेंट फिल्म्स में नए कलाकार हैं। बात करें चौथे फैक्ट की, तो फिल्म की कहानी सिल्वेस्टर स्टेलोन और स्पेंसर कोएन ने लिखी है। बात करें इसके पांच फैक्ट की, तो फिल्म का बजट 3100 करोड़ रुपए होने वाला है। जी हां दोस्तों आपने सही सुना, 3100 करोड़ रुपए फिल्म का बजट होने वाला है। बात करें अगले फैक्ट की, तो फिल्म में एक्शन रोमांस और थ्रिलर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बात करें अगर सात फैक्ट की, तो फिल्म की शूटिंग विभिन्न स्थानों पर हुई है जिनमें थाईलैंड और चीन भी शामिल है। बात करते हैं आठवें फैक्ट की, तो फिल्म में स्टंट और एक्शन दृश्यों के लिए विशेषज्ञों को नियुक्त किया गया है। बात करें नवे फैक्ट की, तो फिल्म का संगीत ब्रायन टेलर ने तैयार किया है। बात करें दसवें फैक्ट की, तो ये मूवी दो पार्ट्स में पार्ट वन और पार्ट टू जो कि 2025 और 2026 में रिलीज होंगे में आपको देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी लाइन को लेकर, तो दोस्तों फिल्म की शुरुआत बानी रॉस जो कि सिल्वेस्टर स्टेलोन है और उनकी टीम जहाँ पे हम एक मिशन पर दिखाए गए हैं
उन्हें शक्तिशाली और खतरनाक अपराधी को पकड़ने का काम सौंपा गया है जो दुनिया भर में आतंक फैला रहा है। जैसे टीम अपराधी के पीछे लगती है, वे एक नए और खतरनाक दुश्मन का सामना करते हैं। यह दुश्मन कोनन मैकग्रेगोर जो कि मेल गिब्सन ने रोल निभाया है, जो कि एक पुरुष सैन्य अधिकारी और अब एक खतरनाक अपराधी बन गया है। इससे यहाँ पे उनकी फाइट होती है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि बार्नी और उसकी टीम को पता चलता है कि कोनन एक शक्तिशाली हथियार बना रहा है जो दुनिया को खतरे में डाल सकता है। टीम को इस हथियार को रोकने और कोनन को पकड़ने का काम सौंपा गया है। फिल्म में कई एक्शन से भरपूर दृश्य हैं जिनमें बार्नी और उसकी टीम कोनर के आदमियों से लड़ते हैं। फिल्म के अंत में बार्नी और कोनर के बीच एक भयंकर लड़ाई होती है जिसमें बार्नी विजय होता है। बात करें इसके मेन लीड एक्टर्स की तो इसमें बार्नी रॉस, ले क्रिस्टमस, गनर जेंसन, यान यांग, कोनर मैकग्रेगोर और जेसिका देखने को मिलती है। बात करें इस मूवी के थीम की तो ये फिल्म एक मुख्य एक्शन, रोमांच और देशभक्ति फिल्म होने वाली है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक टीम खतरनाक अपराधियों के खिलाफ लड़ती है और दुनिया को बचाती है। दोस्तों, द एक्सपेंडेबल्स 5 के रिलीज डेट अभी तक घोषित नहीं की गई है। फिल्म के निर्माताओं ने कहा है कि वे दर्शकों की मांग के अनुसार इस फ्रेंचाइजी की अगली फिल्में बनाते रहेंगे। इस फिल्म में जेसन स्टेथम, कर्टिस फ्रॉस्ट, जैक्सन मेकर फॉक्स, डॉक लोडग्रेन, टोनी जा और एडी क्रोटर के साथ वापसी करने की संभावना। द एक्सपेंडेबल फोर्स की बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्मेंस क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलती है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों द एक्सपेंडेबल 5 यहाँ पे हमें दो पार्ट्स में देखने को मिलेगी, जिसका पहला पार्ट 2025 और इसका पार्ट 2027 में देखने को मिलेगा। बात करें इस मूवी को लेकर तो एक्सपेंडेबल सीरीज की अंतिम दो किस्तें दो पार्ट में विभाजित होगी। इसमें कई बड़े सितारों के साथ सबसे बड़ी कास्ट होगी। यह सबसे लंबी एक्सपेंडेबल्स मूवी होगी क्योंकि दोस्तों यह फ्रेंचाइजी की आखिरी मूवी होगी, इसलिए इसे दो भागों में विभाजित किया जाएगा और फिल्म में नए नए पार्ट, नए नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। बात करते हैं इसके दोनों पार्ट्स की, तो शुरू करते हैं पार्ट फर्स्ट के साथ। तो दोस्तों पार्ट फर्स्ट में विरासत के पात्रों और कुछ नए पात्रों को दिखाया गया है और इसे लौटाने वाले पात्रों के साथ एक एक्सपेंडेबल सीक्वल फिल्म की तरह माना जाता है। पार्ट टू में यहाँ कई नए पात्रों का एक सॉफ्ट रिबूट के तरह, लेकिन यह अलविदा के लिए एक स्तुति भी है क्योंकि यह कई बड़े सितारों के साथ एक्शन शैली के एक प्रेम पत्र है। हालांकि पार्ट टू किसी अन्य सीक्वल के लिए कोई खुला अंत नहीं छोड़ रहा है क्योंकि इस फिल्म में लगभग सभी लोग मारे जाते हैं, लेकिन कुछ पात्रों के साथ स्पिन ऑफ का मौका हो जाता है। दोस्तों बात करेगा इस मूवी की कास्ट को लेकर, तो इस मूवी की संभावित कास्ट और क्रू आज हम आपको बताएंगे। तो इसकी कास्ट हो सकती है दोस्तों सिल्वेस्टर स्टेलोन जो कि बार्नी रॉस के रूप में, जेसन स्टैथम क्रिस्टमस के रूप में, डॉल्फ जिगलर गनर जेंसन के रूप में, टोनी जा यान यांग के रूप में, 50 सेंट हेलियंस के रूप में, मेल गिब्सन विलन जो कि कोनन मैकग्रेगोर होने वाले हैं के रूप में, मेगन फॉक्स जेसिका के रूप में, हैरिसन फोर्ड मैक्स ड्रूमर के रूप में यहाँ पे अपने अपने रोल निभाएंगे। बात करें इस मूवी की क्रू को लेकर, तो इसके डायरेक्टर होंगे स्कॉट वॉ, इस मूवी को प्रोड्यूस करेंगे अमी लाना, इस मूवी के राइटर है सिल्वेस्टर स्टेलोन, इस मूवी को सिनेमेटोग्राफ करेंगे सेले जॉनसन। बात करें इस मूवी के कंपोजर की, तो इस मूवी को कंपोज करेंगे टोनी मिलर, वहीं पर इस मूवी को म्यूजिक देंगे ब्रायन टेलर। वहीं बात करें अगर अन्य कोई सदस्य की, तो दोस्तों इस मूवी के एक्शन कोरियोग्राफर होंगे कोयू हो, स्टंट कोरियोग्राफर होंगे विक्टर वो, प्रोडक्शन डिजाइनर होंगे डैन हेना, वहीं पर कॉस्ट्यूम डिजाइनर होंगे लिसा बुआ और साउंड डिजाइनर होंगे वेल बुआ। दोस्तों बात करें इस मूवी के प्रोडक्शन बजट को, तो इस मूवी का प्रोडक्शन बजट लगभग 150 मिलियन होने वाला है। और बात करें इस मूवी के वर्ल्ड वाइड बजट की, तो इसका 150 मिलियन के लगभग बजट यहाँ एक्सपेक्ट किया है। और अगर बात करें इसके ओवरऑल बजट के, तो ये 400 मिलियन के बराबर हो जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को लेकर। तो दोस्तों
इसमें उससे रिलेटेड पहला फैक्ट है कि फिल्म का निर्देशन स्कॉट वॉक करेंगे। बात करें अगले फैक्ट की तो वो है सिल्वेस्टर स्टेलोन, जेसन स्टेथम और डॉल्फ लंडग्रेन और टोनी जा फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाएंगे। बात करते हैं अगले फैक्ट की तो मेगन फॉक्स और 50 सेंट फिल्म में नए कलाकार हैं। बात करें चौथे फैक्ट की तो फिल्म की कहानी सिल्वेस्टर स्टेलोन और स्पेंसर कोएन ने लिखी है। बात करें इसके पांच फैक्ट की तो फिल्म का बजट 3100 करोड़ रुपए होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 3100 करोड़ रुपए फिल्म का बजट होने वाला है। बात करें अगले फैक्ट की तो फिल्म में एक्शन, रोमांस और थ्रिलर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बात करें अगर सात फैक्ट की तो फिल्म की शूटिंग विभिन्न स्थानों पर हुई है जिनमें थाईलैंड और चीन भी शामिल है। बात करते हैं आठवें फैक्ट की तो फिल्म में स्टंट और एक्शन दृश्यों के लिए विशेषज्ञों को नियुक्त किया गया है। बात करें नवे फैक्ट की तो फिल्म का संगीत ब्रायन टेलर ने तैयार किया है। बात करें दसवें फैक्ट की तो ये मूवी दो पार्ट्स में पार्ट वन और पार्ट टू जो कि 2025 और 2026 में रिलीज होंगे में आपको देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी लाइन को लेकर तो दोस्तों फिल्म की शुरुआत बानी रोज जो कि सिल्वेस्टर स्टेलोन है और उनके टीम जहाँ पे हम एक मिशन पर दिखाए गए हैं उन्हें एक शक्तिशाली और खतरनाक अपराधी को पकड़ने का काम सौंपा गया है जो दुनिया भर में आतंक फैला रहा है। जैसे टीम अपराधी के पीछे लगती है वे एक नए और खतरनाक दुश्मन का सामना करते हैं। यह दुश्मन कोनन मैकग्रेगोर जो कि मेल गिब्सन ने रोल निभाया है जो कि एक पुरुष सैन्य अधिकारी है और अब एक खतरनाक अपराधी बन गया है। इससे यहाँ पे उनकी फाइट होती है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि बार्नी और उसकी टीम को पता चलता है कि कोनन एक शक्तिशाली हथियार बना रहा है जो दुनिया को खतरे में डाल सकता है। टीम को इस हथियार को रोकने और कोनन को पकड़ने का काम सौंपा गया है। फिल्म में कई एक्शन से भरपूर दृश्य हैं जिनमें बार्नी और उसकी टीम कोनन के आदमियों से लड़ते हैं। फिल्म के अंत में बार्नी और कोनन के बीच एक भयंकर लड़ाई होती है जिसमें बार्नी विजय होता है। बात करें इसके मेन लीड एक्टर्स की तो इसमें बार्नी रॉस, ले क्रिस्टमस, गनर जेंसन, जेन यांग, कोनर मैकग्रेगोर और जेसिका देखने को मिलती है। बात करें इस मूवी के थीम की तो ये फिल्म एक मुख्य एक्शन, रोमांच और देशभक्ति फिल्म होने वाली है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक टीम खतरनाक अपराधियों के खिलाफ लड़ती है और दुनिया को बचाती है। दोस्तों द एक्सपेंडेबल्स 5 के रिलीज डेट अभी तक घोषित नहीं की गई है। फिल्म के निर्माताओं ने कहा है कि वे दर्शकों की मांग के अनुसार इस फ्रेंचाइजी की अगली फिल्में बनाते रहेंगे। इस फिल्म में जेसन स्टेथम, कर्टिस प्रैट, जैक्सन मेगन फॉक्स, डॉल्फ लंडग्रेन, टोनी जा और एडी क्रॉटर के साथ वापसी करने की संभावना। द एक्सपेंडेबल 4 की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के इस फ्रेंचाइजी के भविष्य को निर्धारित करेगी। इसके रिलीज डेट में अभी घोषित नहीं है। इसके कलाकार ने आपको बता दिए और इसमें से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन ने आपको बता दी। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।